नमस्कार। मैं डॉक्टर हरि बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा नंबर है 9927537780। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ वंदना से करते हैं। यदा मत्स्यावुतरेण हरिणाभिदुद्धिता तदाशिष्टा तत्र बुभेदा सागम अवात्मान् यतश्रेयवायातो ज्ञाता कि निचिन्दिता तस्मान् चरकानामान्यासो खयात्रे सुचित्मण्डले सावात्चरकाचार्यो देवाचार्यो यथा दिवो सहस्रवदन चासो एन ध्वंसो रुजाकृता नांजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणां अहत्रेय पते नमः अहत्रेय पते नमः अहत्रेय पते नमः। उदावर्त में तरह तरह की रोगों की संप्राप्ति को हम लोग उस समय अपना शास्त्रोक्त और क्लिनिकल उसका देख रहे हैं, जबकि जब मूल चिकित्सा जब हम भी करते थे तो हमको भी एक ही चीज समझ में आती थी, उदावर्त है और इसकी चिकित्सा ऐसे कर दें। लेकिन हमें क्या पता था कि 40-50 रोगों का एक मिश्रण है जो हर किसी को अलग अलग तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, और देने के बाद इतने इतने बड़े रोगों को मात्र जो है उदावर्स में उसको समेट के रख दिया। महर्षि चरक ने तो जो उदावर्त है उस उदावर्त को सूत्र स्थान में ही कह के
अन्य अन्य जो है कोई अलग से कोई चैप्टर उसका दिया ही नहीं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने उसको डिस्क्राइब किया। इसी में कल हम पूरा धारणीय और अधारणीय विवेक को देख के आए थे, तो हमको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो हमारे धारणीय विवेक होते हैं उनको अगर हमने अधारण किया, उनको हमने धारण नहीं किया और उसको जो मन में आया वो गुस्से में आया वो कह दिया, जो मन में आया जितनी ईर्ष्या थी वो कर ली, जो मन में आया जो लोभ था उसको सामने हमने कर्म के रूप में उसको दिखाया। यहाँ पर ये जितने भी जो हम कह के आए हैं, जो पढ़ के आए हैं, जो हम क्लिनिकल देख रहे हैं उसका, कि जो हमारे धारणीय वेड हैं उनका क्लिनिकल और उनके कर्म को देखकर हमने पता कर लिया कि इसका कर्म अब परलक्षित हो रहा है, अर्थात वो हमको दिख रहा है कि एक आदमी एक पहलवान से लड़ गया साहस से, जबकि उसको नहीं लड़ना चाहिए था, वो ये सोच के उसको धारण कर लेता कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा इससे, वो करा उसने, उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ा। लोभ नहीं करना चाहिए था, अर्थात लोभ को धारण कर देना चाहिए था, और उसने वो कर्म के आधार पर उसको लोभ भी दिखा दिया और सामने वाले को भी समझ में आ गया बहुत लोभी आदमी है यार, और वो जो सिक्रीशन थे वो बढ़ते चले गए और उसका असर हमारे उसका जो पूरा प्रभाव पड़ा। अंत में आचार्यों ने कहा कि जो इस तरह से करते हैं अगर वो पुनः पुनः ये वेग आते रहेंगे, तो जो हमारे त्रिमर्मी अध्याय में कहे गए हैं कि तीन मर्म है उसमें हृदय सिर और बस्ती पर बाद में पड़ेगा, लेकिन बस्ती पर पड़ेगा, और जब वो बस्ती पर पड़ेगा तो जैसे भय भय अगर हमने धारण कर लिया तो हम शांत हो जाएंगे और उसका जो असर पड़ेगा वो बस्ती पे पड़ेगा और आपको मूत्र का वेग आएगा, और उस मूत्र के वेग को अगर हमने धारण कर लिया तो हमारा जो तीसरा मर्म है जिसे हमने बस्ती कहा है वो बस्ती दुष्ट हो जाएगी और प्रमेयाद रोग की संभावना हो जाएगी। अहंकार अहंकार को हमेशा धारण करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में या किसी ने कह दिया हाँ मैं अहंकार बस ये मतलब कहते हैं नहीं कि अहंकार है तुम्हें ऐसा कुछ तुम बोल रहे हो, और वही अहंकार उसका बार बार उसके दिमाग से उसके मुंह से निकले, तो वो अहंकार हमारी सप्त मतलब जो पांचों इंद्रियों होती हैं और सहत मन इनको दुष्ट कर देगा। एलोपैथिक साइंस के अनुसार जो एंजाइम्स होगा मनोभाव के आवेश बस एड्रिनलिन अधिक सिक्रीट होता रहेगा और उसका प्रभाव जो है हमारे तीनों मर्मों पे पड़ेगा। तो आचार्यों ने कहा कि इसका जो असर पड़ेगा वो हृदय आदि मर्मों यानी कि जो त्रिमर्म होते हैं उनमें स्थायी रूप से विकृतियां हो जाती हैं। आधुनिक शरीर से भी आधुनिक चिकित्सा से भी कल जो है हमारे सरोज जी ने और पवन जी ने और सभी हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने उस पर अपना देखा था कि हाँ बिल्कुल सही है, और हमारे आचार्य कितने साइंटिफिक थे उसके आधार पर उनको जो किया। आगे हम इसको किस तरह से हम इसको कंपेरिजन करें और अपनी चिकित्सा में हम किस तरह से जो है ये हमारा प्रैक्टिकल रूप है उसको हम देखते चले जाएं उसको हम देखें। इसका
क्लिनिकल तो काफ़ी लंबा है, वो करेंगे भी उसको पूरा व्यापक, उस दर्शाएंगे भी व्यापक, तो देखेंगे भी हम क्लिनिकल भी देखेंगे, क्योंकि बगैर क्लिनिकल देखे तो हमारा फाउंडेशन का जो एक अपनी यूनिक हुई एक अपनी प्राथमिकता है वो तो ख़त्म होगी नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम वही देखेंगे, और उसके बाद फिर जो हमारे धारणीय वेग हैं उन धारणियों वेग एक एक की संप्राप्ति अलग अलग करके फिर हम देखते चले जाएंगे, और अंत में जो चिकित्सा का सामान्य सूत्र है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसमें स्नेहन स्वेदन ये सामान्य चिकित्सा सभी उदावर्त में करनी करनी है। तो अब हमको ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो हम सिरोधारा करते हैं, जो हम नस्य करते हैं, जो किसी के लिए धूम्रपान करते हैं, अगर वो हमारी कोई सिस्टमेटिक डिजीज जैसे पित्ताशय वगैरह होती है अलग बात होती है, लेकिन पित्ताशय में भी हम वेगों का धारण करते हैं। तो अगर कोई सिरो रोग है और सिरो रोग ऐसा है जो ज्ञान इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां साथ में उसके लगी हुई हैं, और हमारे पास जो मरीज आते हैं तरह तरह की बीमारियों के अलग अंग्रेजी में नाम लेके आते हैं, कोई कहता है मैं रास्ते में चलता हूँ, कोई कहता है मैं सोते हुए चलता हूँ, कोई कहता है मैं सोते हुए जो है वो बात करता रहता हूँ, कोई सोते हुए दूसरे आदमी को देखता है, पता नहीं क्या क्या उसका संदर्भ है, कोई कहता है कि मेरे को एंजाइटी हो रही है, कोई कहता है मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, कोई कहता है मुझे निद्रा नाश हो रही है। तो ये जितने भी हैं इनमें सभी जो धारणीय वेग थे उनको उन्होंने धारण नहीं किया, बल्कि कर्म के रूप में उसको परलक्षित किया, उसके लक्षणों को दिखाया, और अपनी सौरता वीरता अहंकार जो उनको वास्तव में अपने शरीर के अंदर रखना चाहिए था, और चिंतनीय विषय होते हैं ये, इन विषयों को चिंतन करने करने पर, इन विषयों को थोड़ी देर रोकने पर आपको एक नया, ये मैं आपको क्लिनिकल बता रहा हूँ, जब किसी के सामने कोई दिक्कत होती है, कोई किसी को भय होता है, किसी को कोई क्रोध होता है, ये मैं आपको वो क्लिनिकल बता रहा हूँ जिसको मैंने बचपन से धारण किया है, और वो तरह तरह से भी हो सकती है, आपकी कायिक होती है, मानसिक हो सकती है, आपके पारिवारिक हो सकती है, आपके सामाजिक हो सकती है, इवन पेशेंट भी हो सकता है। और एक बार मैंने एक प्रश्न डाला था कि उस मरीज का क्या करें जिसने मेरे को थप्पड़ मार दिया है, तो आज उसका उत्तर आपके सामने है कि हमने अपने गुस्से को उस समय कंट्रोल रखना है, मेरे को पी जाना है, मेरे को उसको धारण कर जाना है, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं और मैं उस चिकित्सक उस पेशेंट से कुछ नहीं बोलूंगा, ना ही उसके घर वाले से बोलूंगा, ना ही कोई जो मेरे पास पुलिस कर्मी होंगे जो मेरी सुरक्षा के लिए तैनात हैं वहां, और होते ही हैं, क्योंकि जब अभी तो नहीं लेकिन हाँ 2-3 साल के बाद पुलिसकर्मी चिकित्सालय में तैनात हो जाते हैं जब कोई डॉक्टर एक अच्छी तरह से चिकित्सा करता है, और उसके फिर समाज का जो रुझान होता है वो बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी देती है, किसके साथ में कोई हादसा ना गुजरे। उस समय मुझे अपने जितने भी सिक्योरिटी है उनको सबको, आज मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, सबको शांत कर देना है, कोई भी इस पेशेंट के घर वालों से और पेशेंट से कोई कुछ नहीं बोलेगा, और सबसे पहले मैं अलर्ट करूंगा जो मेरा अपना स्टाफ है, दूसरी सब उनको अलर्ट करूंगा कि जो भी मेरे वार्ड बॉय हैं, जो भी मेरे वहाँ कर्मचारी हैं, उनको सबको अलर्ट कर दूंगा कि कोई भी पेशेंट से और पेशेंट के घर वालों से कुछ उफ तक नहीं बोलेगा, आप अपना अपना काम करिएगा, मैं अपनी स्थिति को संभाल लेता हूँ, मेरा काम चिकित्सक का है, मैं चिकित्सा करूंगा। और मैंने वो चिकित्सा करके उसको भेज दिया, और भेजने के बाद 3 चीजें आपको सामने आई। नंबर 1, आपने चिकित्सक की धर्म निभाया। दूसरी चीज, पेशेंट की क्या स्थिति थी उस समय, उसको कितनी परेशानी हो रही थी, वो कितनी परेशानी झेल के आया था, कितने लोगों ने, कितने डॉक्टरों ने उसको जो है गलत तरीके से जो है सलाह देना शुरू कर दी थी, और वो कितनों से धक्का खा के आया, गुस्सा बस या उसके रोग बस। अब रोग तो एक ही भी हो सकता है कि वो डिप्रेशन हो, और दूसरा रोग ये भी हो सकता है कि डिप्रेशन में ना होके बल्कि कोई ऐसा रोग हुआ हो जो मरीज को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो गया हो और डॉक्टर से एक जैसी नफरत जैसी हो गई। आपका नाम सुना, घर वाले उसको लेके आए, और आपने आते ही उसने जो आपको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तो इन सब चीजों को आप बाद में देखें, पहले आप अपने पेशेंट को नॉर्मल करें, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन,
और उसके बाद जब वो नॉर्मल स्थिति में आ जाए तो एक बार उसकी जो अपनी अब जो स्थिति मनोस्थिति है उसको समझते हुए फिर उससे आप प्रश्न अकेले में करें, भाई बंदा बंधु इधर आ जाओ जरा यार, तब वो खुद आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ स्मृति उसको होगी। डॉक्टर साहब मुझे ऐसी परेशानी थी, आपका काम हो गया, आपके पास तीन चीजें थी, आपने नंबर वन प्रशासनिक शासन को तंग नहीं किया, प्रशासन को तंग नहीं किया, अस्पताल में किसी प्रकार कोई दंगा नहीं भड़कने दिया। रही बात आपकी प्रेस्टेज की, इज्जत की, तो वो इज्जत तो सबसे बढ़िया है कि जिसको मारा वो हाथ जोड़े खड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर वही चीज सामने आती है कि अपने वेद को धारण कर लो, लोभ शोक भय क्रोध, आपको क्रोध आया धारण कर लिया, अहंकार था उसमें अहंकार नहीं दिखाया, मैं डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल अफसर हूं, मैं गजिस्टर्ड अफसर हूं, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मेरे पास 100 धाराएं हैं, 25 धाराएं हैं, मैं ये लगा दूंगा, ये अहंकार सब दबा के रख दिया। निर्जरलता, कोई भी शर्म गैरत नहीं, मार दिया तो मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मेरे जो अटेंडेंट हैं, जो वहाँ मिलने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो और पेशेंट है, जो स्टाफ है, वो मुझसे यही तो कहेगा, बहुत बेशरम आदमी है यार, डॉक्टर पिट गया और कुछ बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईर्ष्या, अगर हम किसी बाद में हम हमारे लिए उसके ईर्ष्या उत्पन्न ना हो, इसलिए हम अपने उस ईर्ष्या को कंट्रोल करके भाईचारे का सबूत उसके सामने दें और वो पेशेंट खुद ही आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। अत्यंतराग, बहुत ज्यादा यार भाई साहब बहुत बुरा किया था आपने, उतने यार मुझे थप्पड़ मार दिया था, मैंने सबको वो किया था, पूरा गाना गाए पड़े हो मरीज के सामने, ये सब छोड़ दें, एक मरीज पर ही सब विषय आपके लागू हो जाते हैं, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने अपने एड्रेनलिन को कंट्रोल कर लिया, जो ज्यादा सिक्रेट हो रहा था उसको सिक्रेट कंट्रोल किया, सिक्रेशन लेवल पे रखा, और मैं अपने जितनी भी इंद्रियां थी उन इंद्रियों से मैं एकदम हमारी जो इंद्रियां थी उनको मैंने निर्मल रखा और वो अपने विषय को सही रूप से ग्रहण करके मन को दिया उन्होंने और बुद्धि ने मेरे काम किया, और यही तो मेरा योग दर्शन है, और इसी से मुझे इन रोगों की उत्पत्ति होने में बिल्कुल कोई भी संकोच था ही नहीं कि ये रोग मुझे होंगे। इस प्रकरण में एक अन्य वस्तु के प्रति ध्यान आकर्षित करना अब आवश्यक हो जाता है, धारणीय तत्तत् वेगों का जिस प्रकार आचार्यों ने उल्लेख किया है वो अब हम उसको देखेंगे कि अवस्था विशेष में इन वेगों का धारण अगर हमको करना होता है, यथाचा, यथाचा का मतलब मैं आपको अभी क्लिनिकल बताऊंगा, लंघन का व्यापक अर्थ दर्शाते हुए इसको हम सीधे सीधे जोड़ते हैं, और ये बहुत सुंदर सर्वांग सुंदर चीज निकाल के लाया हूं मैं, उसको ध्यान रखिएगा कि मैं जिसको जोड़ कर रहा हूं। जब आचार्य ने लंघन का विधान किया है और लंघन का जब चैप्टर लिख दिया था, और लंघन का चैप्टर लिखने के बाद उन्होंने कहा था कि लंघन किस तरह से करना चाहिए, तब चरक ने कहा कि तृष्णा और क्षुधा इनके वेगों का अवरोध करने का आदेश दिया है। इसको धारण करना चाहिए, आप इसको चरक सूत्र लिख लीजिए आप इसको, क्योंकि आपको होगा कि कहाँ है, क्या फेसबुक नहीं हो रहा है, ज्वाइन तो हो रहा है, फेसबुक चल रहा है, लाइव चल रहा है, देखिए आपको कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। एक मिनट में दोबारा से करके देखता हूँ, एक मिनट लग रहा है बस, ये दो जगह कैसे चल रहा है। सर चल रहा है। हाँ चल रहा है। आज आवाज ठीक आ रही है मेरी? सही है जी सर, सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया 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 है एकदम सर। परफेक्ट। हाँ
आज वो तुम्हारी तुम्हारी भतीजी थी, सिर पड़ गई मेरे। 1 साल हो गया मेरे को लैपटॉप दिलवाओ, अभी उसको लैपटॉप दिलवा के लाया हूँ। अरे जब वो भी एक धारण, डॉक्टर साहब वो भी एक धारण थोड़ी ना कर पाएगी। तब जब इसको कनेक्ट किया और हम देखें कि जब आचार्यों ने चरक ने कहा कि तृष्णा और क्षुधा इसके वेगों का अवरोध करने का आदेश दिया है, रोकने का आदेश दिया है, तो रोक दो उसको। लेकिन भाई फायदा क्या है? एक तरफ आप ये कह रहे हो, दूसरी कह रहे हो कि हम दूसरी तरफ कहते हैं कि प्यास लग रही है तो पानी पियो और भूख लग रही है तो खाना खाओ। ये तो बिल्कुल एकदम उल्टा है। आचार्यों ने क्या ये करा है, इसको आप देख सकते हो चरक सूत्र स्थान 28 22, अध्याय 22 में 18वां श्लोक। इस सूत्र में जो लंघन का अर्थ है, कोई भी विहार, कोई भी उपचार आदि जो शरीर एवं मन में लघुता उत्पन्न करें, उसका अर्थ ये है। बोले जी ये तो आपने बिल्कुल सही कह दिया कि अगर किसी को कफ की बीमारी है तो हमने कहा कि आप खाना नहीं खाइएगा, थोड़ा सा लंघन करिएगा और तृष्णा पानी मत पीजिएगा, और शरीर जब कफ का पाचन करेगा तो ये चीजें आपको जो है इससे फायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। अब जो स्वाभाविक है रूप से है, बिल्कुल स्वस्थ पुरुष है, और स्वस्थ पुरुष के लिए उन्होंने कहा कि आप प्यास, जब प्यास लगे तो पानी पिए, और जब तृष्णा जब क्षुधा लगे तो फिर खाना खाए, वो स्वस्थ मनुष्य के लिए है। लेकिन यहां पर एक चीज उन्होंने दे दी थी इस सूत्र के अंदर, और वो सूत्र है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 45 में, 45 से लेकर 46वां श्लोक है। जरा उसको देखें तो जो एक बार मैं आपको बता चुका हूं उस पर जरा ध्यान करें। अगर किसी को वो सूत्र याद है कि जब मधुमेह की संप्राप्ति बता रहे थे तो उसमें आया था मधुमेह चा, है किसी को पता? यानी कि मधुमेह पानी ना पिए तब तक अच्छा है, ये किसी को पता है? बोलो भाई बताओ। जी सर, आपने क्वेश्चन में भी दिया था अभी जो पेपर्स दिए थे। जी हाँ मैंने उसमें दिया है। वो याद हो किसी को तो बताओ फिर। मैंने तो इतना ही लिख दिया था, लेकिन मैं उसको देख के फिर बता देता हूँ। एक मिनट का टाइम ले लो, देख लो उसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ, तब तक आप देखो उसको। तो जो हमारे नए वैद्य हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जो है कुछ दिन यहाँ पर रुकें, उसको देखें, उसको समझें। आपको मुझे मैं जानता हूं कि ये किसका खुला हुआ है। मैं जानता हूं कि आपको जो है वो ये सब चीज बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगी एक दो बार में जुड़ने से, लेकिन जब आप इसे लगातार 15 20 दिन तक जुड़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, किस लेवल का हम सीख रहे हैं। तो इतना ही है कि जो शुरू शुरू में जो लोग जुड़ते हैं, जो हमारे वैद्य जुड़ते हैं, उनको 15 20 दिन तक तो बिल्कुल जैसे एंटीना क्रॉस करता है ना, वैसे ही क्रॉस कर जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा उनको। और क्योंकि वो इसलिए समझ में नहीं आएगा कि जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में
हम आज जी रहे हैं और चिकित्सा सामने वाले को किस तरह की चाहिए, और हम अगर वही चिकित्सा को हम जो पुराने ढर्रे के अनुसार अगर करते चले गए तो आज वो जमाना नहीं है और वो हमारी आदत पड़ चुकी है। जहाँ कहीं भी हम सेमिनार वगैरह में जाते हैं, जहाँ कहीं भी हम कोई वो अटेंड करते हैं, तो हमको वही चीज़ सामने मिलती है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, और वो छुट्टी नहीं है, छोड़ने ही नहीं देते लोग, वो उसी के आधार पर है। लेकिन आज की चिकित्सा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने वो स्टैंडर्ड लेवल से चिकित्सा करें, और वही आज के ज़माने में इस समय ज़रूरत है भारत के इंसान को। अब इतना मिला किसी को? मिला, जबकि वो सूत्र मैंने ऊपर ही लिख रखा है, लेकिन वो समय के अनुसार जो है वो मिलता नहीं है कि किस समय किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए तो वो हट जाता है। चलो फिर भी मैं एक बार, मुझे ध्यान है कि मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ही आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 45 में, 45वां और 46वां श्लोक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक शब्द करके हम देख लेते हैं क्या है। शुरू करते हैं आरोच के प्रत्याश्याय, फिर से के, फिर से का मतलब मुंह से लार निकलती रहती है, कफ निकल रहा है, प्रत्याश्याय है, आरोचक है। अब वो आरोचक कफ की वजह से है, तब सोत है, छह है, मंदा अग्नि है, कुष्ठ है, ज्वर है, नेत्रमय है, नेत्र के अंदर पानी आ रहा है, निकलता रहता है, व्रण है, और आखिर में मधुमेह चा पानीय मंदमाचरित। ये जो श्लोक इन्होंने दिया, ये श्लोक में ये कहा गया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जो हमने चिकित्सा सिद्धांत स्वस्थ रहने के लिए प्रतिपादित किया था, जिसमें कहा था कि वेगों को नहीं रोकना चाहिए, अर्थात तृष्णा अगर आपको हो रही है तो पानी पीजिए, और क्षुधा हो रही है तो फिर आप जो है उसमें क्या करिए, खाना खाइए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जब लंघन करना है, यानी कि जब चिकित्सा दृष्टि से आए, अच्छा एक चीज और भी मैं बीच में बता देता हूं, आप चाहें तो लिख लें, ये जो संतर्पण और अपतर्पण अध्याय सूत्र स्थान 23वां है 24वां है, शायद मुझे ये ध्यान है, इसमें सबसे पहले संतर्पण और अवतर्पण ये दो चीजें दे रखी हैं, और उसके बाद लंघन दे रखा है और ब्रंगण दे रखा है। इसका कोई वास्तविक आचार्य अगर लंघन ब्रंगण पहले कर देते और संतर्पण अवतर्पण बाद में कर देते तो क्या कोई फर्क पड़ता? भाई आपने एक चैप्टर लिखा, पहले लिखा संतर्पण, फिर लिख दिया अवतर्पण, फिर उसके बाद लिखा लंघन, और फिर उसके बाद में ब्रंगण। जबकि हम शाब्दिक रूप में देखें तो कहा है कि चिकित्साएं जो है वो इन्हीं पर टिकी होती हैं, लेकिन अगर वो लंघन पहले लिखते तो और ब्रंगण पहले लिख देते चैप्टर को, और फिर उसके बाद में संतर्पण लिख देते, और फिर इसको अवतर्पण लिख देते, तो इसमें अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप जो है अब कुछ तरह से नए तरीके से सोच रहे, कोई बोलना चाहे तो बोले। क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप इसमें? सर ट्रीटमेंट पहले करेंगे या व्याधि बाद में होगी? जैसे चैप्टर लिखा 23वां, हाँ जी, 23वां चैप्टर लिखा, मैं 23वां चैप्टर लिखा संतर्पण और अवतर्पण, फिर उसके जस्ट एकदम बाद लिखा लंघन और ब्रंगण। पहले पहले व्याधि नहीं सर, पहले है। प्रणाम सर, हाँ 22वां अध्याय लंघन और ब्रंगण है और पहले 23वां लंघन अध्याय। व्रण, चलिए जी पहले, सर, हाँ चलो पहले लंघन ब्रंगण हो गया, फिर संतर्पण अवतर्पण हो गया। जी तो अगर हम वो उल्टा करते हैं इसके लिए कि अगर वो पहले लिख देते तो क्या आपत्ति?
क्या कुछ ऐसा घटित हो जाता। हाँ हाँ तर्पण तर्पण है, उसके भेद जो बताए गए हैं ना, मुझे एग्जैक्ट भेद नहीं पता है कितने हैं, वो उसमें है लंघन और प्रलंघन, मुझे ऐसा याद है। मतलब ऐसा नहीं है, संतर्पण के भी दो या तीन कुछ भेद हैं जिसमें लंघन रूक्षण ऐसा कुछ करके आता है, हाँ मतलब हाँ वो भेद है उसके, वो पहले और बाद में का मतलब नहीं है। मतलब कि जैसे हम स्नेह बोले, अब हम बोलते हैं घर तेल बचा बसा मज्जा, अब वो चार स्नेह के प्रकार हैं, तो अब हम स्नेह बोल सकते हैं, उसमें चारों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली घृत बोलेंगे तो समझेंगे पित्त शामक है, वात बोलेंगे तो तैल शाम तैल बोले वात शामक, ऐसे संतर्पण और अपतर्पण एक चिकित्सा है जिसके लंघन और ब्रंघन एक भेद है। जैसे अपतर्पण के तीन भेद मुझे बिल्कुल नहीं पता है, याद आ रहा, रुक्षण लंघन और ऐसा ही है, अब वो मुझे याद नहीं है। हाँ रुक्षण लंघन जी हाँ, तो मतलब यही हुआ ना सर कि अपतर्पण एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें बॉडी का अपतर्पण होगा, मतलब कि बॉडी का अपतर्पण हो सकता है किसी तरीके से, बॉडी का वेट लॉस हो सकता है, बॉडी में ये जो माद मास मेद ये सारी चीजें कुछ कम हो सकती है। तो अभी इसके प्रकार होते हैं कि इसमें किस तरीके से करना है, किसी को रुक्षण करके करना है, मतलब किसी को जैसे अब जौ खिलाने की बात हुई, किसी जौ खिला के रुक्षण पैदा करना, मतलब वात का गुण बढ़ाने हैं, वात के रुक्षण, किसी को लंघन ही बस कराना है, उपवास कराना है तो लंघन कराना, मतलब भूखे रखना है उसको कि नहीं देना, उसमें कुछ खिला के रुक्षण नहीं कर रहे हैं, उसमें ना खिला के लंघन कर रहे हैं, तो इसके प्रकार हो जाएंगे। मतलब अभी इसका एग्जैक्ट आंसर तो यही नहीं समझ आता कि क्या। सर देखो जो लंगन और ब्रिंगन वाला अध्याय है ना, उसमें उन्होंने उनके सबके द्रव्य बताए हैं, फिर भेद बताए हैं कि कैसे कैसे क्या कराने हैं, फिर पुरुषों के बारे में बताया कि कौन पुरुष को कैसे हमको लंगन और ये सब द्रव्यों का पूरा वर्णन है, योग्य अयोग्य पुरुषों का वर्णन है ना, और उसमें फिर ये भी बताया कि कौन सा सम्यक लंघन है क्या अति। तो पहले उन्होंने हमें ये पढ़ा दिया कि कौन कौन से द्रव्य कहाँ कहाँ, कौन कौन पुरुष योग्य हैं, कौन कौन अयोग्य हैं, और किस प्रकार उसकी षड्विध चिकित्सा की जाती है। तब उन्होंने संतर्पण लाए कि संतर्पण जन्य अगर व्याधियां होंगी तो उनमें हम कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, और अपतर्पण प्रकरण में कैसे कैसे प्रयोग में लाएंगे। पहले अगर हमें ये पता है कि वत्सनाभ ये कर सकता है और ये गलत उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो ही तो हम उसका प्रयोग युक्ति लगा के करेंगे। इसलिए उन्होंने पहले हमें बेसिक्स पढ़ाया, फिर रोग के हिसाब से उन्होंने समझाया। ठीक। यही बनते हैं। हाँ अब अगर लंघन को और अपतर्पण को एक युग्म मान ले और ब्रंगण को और संतर्पण को युग मान लें, ठीक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैरेलल टू इच अदर, करेक्ट, है ना? बिल्कुल है पैरेलल है, बिल्कुल सही तो है। जो लंघन करेगा वो अपतर्पण करेगा, बिल्कुल नहीं, करेगा, होगा जी अपतर्पण अपतर्पण होगा। होगा हाँ, नहीं, क्योंकि हाँ प्रमेय के समय लघु च संतर्पणम और गुरु च अपतर्पणम है, वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो है, मतलब कि जैसे कि मधु, देखिए मधु गुरु होती है, ठीक है गुरु है, ब्रंगणी सब लग सकते हैं, लेकिन वो अपतर्पण करती है। वो तो मैम उसके मतलब कार्य विशेष हो गया ना, कि वो किस कर्म से कार्य, विपाक से, कर्म से, गुण से, मतलब किससे मेरा ये काम। कहने का है कि जो भी चीज यदि हम लंघन कर रहे हैं तो लंघन हमेशा अपतर्पण करेगा ये जरूरी नहीं है, नहीं मतलब है नहीं, मेरा लेकिन बोलने वो का तो 10 मतलब। प्रकार के लंघन का अलग से वर्णन किया गया ना मैम। अच्छा, जब ज्वर में लंघन की हाँ व्यवस्था की गई है तो हाँ अपतर्पण क्यों क्यों नहीं कहा कि अपतर्पण करो? नहीं, क्योंकि वही वहां तो मतलब है ना, क्योंकि वही लंघन हमेशा अपतर्पण करता ही नहीं है, लंघन सिर्फ वो है जहां तक हमको किसी चीजों को पचाना है वो करना है, जब वो अपनी एक सीमा के बाद चला जाएगा तब अपतर्पण शुरू होगा, उसके पहले वो सिर्फ दोषों का पाचन ही कर रहा है, अपतर्पण नहीं कर, अपतर्पण मतलब सुखा देना, किसी चीज को क्रश कर देना, लंघन कभी क्रश नहीं करता, जबकि लंघन स्त्रोतो रोध हटा के व्रंघन ही करता है। जैसे ताम्र है, ताम्र के आप जब गुण पढ़ेंगे, हमेशा कहा जाता है ताम्र लेखनीय है, नहीं ताम्र, ताम्र के गुण पढ़ी रस शास्त्र में व्रंघन ही है। लेखनी है, वर्णनी है, दोनों है।
हाँ मतलब वही मतलब ब्रंगणी दोनों गुण है उसके, लेखन भी करेगा और व्रण भी करेगा। हाँ तो जैसे बोलते आरोग्य वर्धनी ज्यादा दिनों तक देंगे तो काष्ठता, नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो एक समय के बाद काष्ठता लाएगा, तब तक वो ब्रंगण ही करेगा, तो लंघन अवतर्पण हमेशा नहीं करता। वो तो अति योज होगा तभी करेगा। जी सुबह क्या नाम है, क्या नाम, निशा जी आप बताओ जरा, निशा खुराना जी और निशा जी, दोनों दोनों लोगों का नाम एक जैसा ही है लेकिन एक में खुराना लगा हुआ है जी। निशा जी पहले आप बताओ, आपको समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा जी सर, निशा जी, कुछ कुछ बोलो, कुछ बोलो। सर एग्जैक्टली सर, लंघन और अपतर्पण मीन्स लंघन में जरूरी नहीं है कि अपतर्पण होगा, अपतर्पण एक टोटली अलग चिकित्सा है सर। बढ़िया, संतर्पण और अपतर्पण ये हम चिकित्सा के रूप में ले सकते हैं सर, और लंघन जो है वो पाचन करने के लिए मोस्टली हम कराते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया निकला, मतलब जो भी बोला गया एकदम सटीक बोला गया। अब जी अरे निशा खुराना जी आप बताओ। जी हाँ ना का जवाब दो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो फिर समझाएंगे। जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। अभी अभी आप अभी अभी जो है मैं आपको सुनता हूँ, जरा हमारे नए वैद्य हैं, जरा उनसे भी तो पूछ लूँ कि कुछ। हाँ बिलाल जी आप बताओ। बिलाल जी सुन रहे हैं, आवाज आ रही है सर? सर, जी सर मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ ये। अच्छा ठीक, अब आप आराम से समझो फिर, ठीक है? हाँ समझाएंगे पूरा जी। पद्माकर बोस जी आप बताओ। आप हाँ सर, जो अभी तक आप पूछना चाहते हैं जो मेरे समझ में आ रहा है, जैसे आपने कहा ना कि लंघन और ब्रिंगण से बात संतर्पण और तर्पण क्यों आया, तो सर जो आयुर्वेद का बेसिक चिकित्सा का सूत्र है देह बल दोष बल, जब उसके आधार पे हम सोचते हैं तब हम चिकित्सा के बारे में, संतर्पण और तर्पण की जो चिकित्सा विधि है सर वो हम दोष और उसके देह बल के आधार पे निश्चित करते हैं। यहाँ जो लंघन और ब्रिंघन की चिकित्सा से दोषों को पाचन करने के आधार पे हम ये कर देंगे, उसके पहले निंदनीय अतिकृत किस तरह का अध्याय हुआ या उसके बारे के बाद ये लंघन के कि दोषों को हमें किस तरह का पाचन करना है या किस दोष का वृद्धि करना है, यहाँ चिकित्सा से नहीं मतलब। जबकि संतर्पण अतर्पण में हमें बेसिक कंसेप्ट के आधार पे चिकित्सा का वहाँ पे आधार लेके हमें ये इस पे डिसाइड है, तो देह बल दोष बल धातु बल के आधार पे हम चिकित्सा करते हैं, ये मैं कहना। थैंक यू सर। बहुत अच्छा मीरन जी आप बताएं। जैसे हम पंचकर्म कहते हैं, पहले हम उसको दीपन पाचन कराएंगे, थोड़ा सा लंघन कराएंगे, उसके बाद जो है फिर हम उसको घृतपान सेवन कराएंगे, कोष को देखेंगे। तो आप अपना व्यू रखो इसमें कि क्या सही है। संतर्पण चिकित्सा और अवतर्पण चिकित्सा में वही है कि जिसमें वृद्धि हमें धातु वृद्धि करनी है वो संतर्पण चिकित्सा है, जहाँ पर हमें खाना चाहिए। और जैसे कि हम पंचकर्म में अगर मेद हमें कम करना है, मेद क्षय करना है, तो वहाँ हमें उद्वर्तन करते हैं तो वो कर्षण चिकित्सा आती है, लेखन वस्तु में लेते हैं वो कर्षण चिकित्सा में आता है। जहाँ पर हमें धातु वृद्धि करनी है मास तो वहां पर हम अभ्यंगम या इस तरह की संतर्पण चिकित्साएं देते हैं, तो ये सब मेरा कॉन्सेप्ट होता है। बढ़िया बताया। क्योंकि हम अगर कोई क्षय का पेशेंट ले रहे हैं तो उसमें मनवासन वस्ती का जो प्रयोग करते हैं वहां पर हम सेल का या फिर पंचशिक्षी वस्ती का प्रयोग करते हैं, माघ्रत का प्रयोग करते हैं, तो वो हम अपने संतर्पण चिकित्सा कर रहे हैं, जिससे कि हम धातु का पोषण कर रहे हैं। ये मेरे को सही लगा जी। बढ़िया, भारती देश पांडे जी आप बताओ।
थोड़ा ही करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, लेकिन उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं बॉडी, मतलब एनर्जी चिकित्सा के। हम बोल तो दे देते हैं दीपन पाचन कराओ, लंघन कराओ, और फिर उसके बाद में चिकित्सा करो और मरीज ठीक हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। जी और कुछ सोचो विचारो, सरोज जी आप बताओ कुछ। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। द्विविध उपक्रम में अलग अलग तरीके से बांटा गया है, शोधन और शमन, संतर्पण और अपतर्पण, इस तरीके से अलग अलग इसको बांटा गया है। तो जहाँ पर अपतर्पण आया है वहाँ पर ये शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा दोनों का वहाँ पे जिक्र किया गया है। मतलब शोधन भी एक तरीके से अपतर्पण में उसको लिया गया है। तो शोधन चिकित्सा तो सारी पंचकर्म हो गई, और शमन चिकित्सा भी वहाँ पे ली गई है, और वहाँ पे लंघन भी लिया गया है। तो लंघन के जो प्रकार होते हैं वो 10 प्रकार होते हैं। व्यायामम, उष्ण सदनम, गुरुप्रावरणम, क्षुधा, बहुपानम, भय, क्रोधा, उपनाह, आत्पा। मतलब ये स्वेदन के भी, निराग्नि स्वेद के भी प्रकार हैं, और ये लंघन के भी प्रकार हैं। मतलब निराग्नि स्वेद और लंघन एक तरीके से लिया गया है यहाँ पर। और संतर्पण चिकित्सा के बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में, अवतर्पण के बारे में। जी चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, और कहीं पर सॉरी सर ओपीडी ठीक है, कहीं कहीं पर अगर थोड़ा सा लगे कंफ्यूजन लगे या कुछ उसमें ऐड करना हो तो करें। लंघन, जब ज्वर की चिकित्सा पढ़ते हैं तो उसमें कहा है कि आप लंघन कराएं, और लंघन करने का आदेश दिया है, और उसमें कहा है कि जब ज्वर का वेग, जब दोष का बल क्षय हो जाए, जब दोष का बल क्षय हो जाए, और दोष का जब बल क्षय होगा तब वो ज्वर मुक्ति की तरफ जाएगा, और उसके बाद उसको औषधि की व्यवस्था करें, और औषधि की व्यवस्था करके तब जो है फिर अब उसको औषधि देकर उसके ज्वर को शांत करें। वहां पर क्या है, या दोषों का जो बल था उसको खैप कम करने के लिए हमने लंघन कराया था, और उसी बीच जब दोषों का बल कम हुआ तब अग्नि प्रदीप्त, जब दोषों का बल कम हुआ तब अग्नि प्रदीप्त हुई, तब आचार्यों ने कहा कि वहां पर जैसे ही आप लंघन कराएंगे, और लंघन कराने के बाद पेशेंट को प्यास मतलब जो भूख का एहसास होगा, तब आप समझ लेना कि यहां पर लंघन पूरी तरह से हो गया है, अब हमको वो औषधियों का प्रयोग कराना है। पहले तो लंघन की पूरी वो है क्या है, लंघन से दोषों का बल जो क्षय हो रहा है, दोषों का जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी मतलब जो उनका एक बलाबल है कि वो हावी है, और हावी होने के नाते उसको किसी भी हाल में बगैर लंघन के हम कर नहीं सकते, अर्थात दोषों का वहां पर क्या काम किया, बल क्षय किया, उनके गुणों का क्षय नहीं हुआ है। उसके गुण का अगर आपने थोड़ा सा भी आहार विहार गड़बड़ कर दिया तो उसके गुण बढ़ जाएंगे। आपने उसके बल को तो क्षय किया है लेकिन गुणों का क्षय नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब औषधि उसको भूख लगना शुरू हो जाए और जब उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाए तब आप समझ लेना कि सम्यक लंघन हो चुका है, और उस स्थिति में फिर ज्वर नाशक जो चिकित्सा है, अब जरा ज्वर नाशक चिकित्सा में देखेंगे तो उस ज्वर नाशक चिकित्सा में, क्योंकि पित्त की चिकित्सा सर्वोपरि है और पित्त को शांत करने के लिए हमको तिक्त औषधियों की आवश्यकता होती है, तो वो तिक्त औषधियां उस अग्नि को मेंटेन करते हुए, अगर कफ वहां पर है तो उस कफ के गुणों का नाश करेंगी और तब जाके पेशेंट की। अब तर्पण एक चिकित्सा के रूप में लिया गया है वो तब,
जब बलों का दो बलों का जो बल है, दोषों का जो बल है वो छह हो जाए, और छह होने के बाद छह का मतलब उनका बल कम हो जाए, और जब अवतर्पण आप कर रहे हैं तो उसके गुणों का क्षय कर रहे हैं, अर्थात जो गुण बढ़े हुए हैं उसको साम्यवस्था में ला रहे हैं। और उसका भी एक तरीका है कि दूसरे का गुण ना बढ़ पाए और अग्नि कबर अग्नि पर किसी दूसरे गुण का प्रतिघात ना हो, तब उस स्थिति में फिर हम मरीज को लंघन दीपन पाचन और अवतर्पण की जो औषधियां हैं उसको देकर उसके गुणों को साम्यवस्था में लाकर तब वो संतर्पण जन्य जो व्याधि थी वो ठीक हो पाएगी। इसका बिल्कुल एकदम उल्टा अगर आप समझ लो तो फिर हमारा ब्रंगण और उसके बाद फिर जो है हमारा ब्रंगण में, जैसे ब्रंगण में हमको किसी को ब्रंगण कराना है तो उसमें एक स्नेहन पाठ दे रखा है कि स्नेहन का पाठ उन्होंने सबसे पहले दे रखा है कि ब्रंगण करके हम उस जो ब्रंगण है उसको करके स्नेहन है। अब पंचकर्म में जैसे स्नेहन को ब्रंगण कह दिया उन्होंने तो पंचकर्म की जो सब प्रोसेस होती है उसमें लंघन भी है, उसमें दीपन भी है, उल्लंघन भी है, उसमें अवतर्पण भी है, संतर्पण भी है, सब तरह से जो पांच कर्म के प्रोसेस हैं उनमें सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आचार्यों ने यही कहा कि हम जो लंघन की व्यवस्था करके आए हैं वो हम उस लोगों में करके आए हैं जिनमें कि जिनके दोषों का जो बल है वो हमको क्षय करना है, हमको गुणों का बल का क्षय नहीं करना है। अगर गुणों के जो गुण है उसके उनको अगर हमको साम्यवस्था में लाना है तब हमको उनकी अवतर्पण चिकित्सा करनी पड़ेगी। अगर हम अवतर्पण चिकित्सा नहीं करेंगे तो उनके गुणों को साम्यवस्था में नहीं ला सकते। इसलिए दो चीजों को एक साथ करके लिखना, दोनों चीजों को। अब उन्होंने कहा कि लंघन जी कोई बहुत बेकार मतलब बहुत वैसा मरीज है कि जो लंघन कर ही नहीं सकता तो उसको हम क्या करें, तब उन्होंने जो है उसको कहा कि उसका रूक्षण भी करो। उसमें एक प्रोसेस दे दी, रूक्षण कुछ नहीं कर सकते हो तो त्रिफला चूर्ण को लेके या किसी ऐसे द्रव्य को लेके जो कफ का शोषण करे, ईंट भट्टे की राख या दीमक मिट्टी जो ऊर्ध्वस्थम चिकित्सा में कर सकते हैं, पेशेंट चल नहीं सकता उस समय उन्होंने ऊर्ध्वर्तन करके वहां पर कफ का विलयन किया है, वहां पर उसको लंघन के रूप में लेके आए हैं, वहां पर रूक्षण चिकित्सा बताई है कि यहाँ पर रूक्षण चिकित्सा करें औषधि से नहीं, लंघन के प्रकार से। अगर औषधि से करना शुरू कर दिया तो जो औषधियां बात को कम करने वाली होती हैं वो कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। इसलिए उन्होंने मना कर दिया है कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी प्रोसेस लंघन की प्रोसेस का जो एक टाइप है वो आपको अपनाना है और उससे उसका लंघन करके उसके बल को क्षय करना है, ना कि उसके गुण को। अगर गुण क्षय करेंगे आप तो आपको वही औषधि देनी पड़ेगी जो कफ को बढ़ा देगी, और धीरे धीरे करके फिर जब उसका पूर्ण रूप से बल क्षय हो जाए तब आप उसमें जो है अवतर्पण चिकित्सा करें, और वो भी ये भी ध्यान रखें कि उसकी अग्नि पर कोई पित्तघात नहीं होना चाहिए और कोई और उसका बल रोगी का बल भी बिल्कुल क्षय नहीं होना चाहिए और जो दोष है उसका बल बढ़ना नहीं चाहिए। इस स्थिति में जब इन्होंने ये कहा, मैं वहीं पर इस चीज को, अब आपको लगा कुछ ठीक है, कहीं पर कोई किसी का प्रश्न हो तो बता सकते हैं। सर अवतर्पण में धातुओं का भी तो क्षय होगा फिर? अवतर्पण में धातुओं का क्षय होगा, लेकिन आपने जब लंघन उसमें करा दिया और लंघन कराने के बाद कोई औषधि ऐसी है, कोई रोग ऐसा है जिसमें अवतर्पण कराना ही कराना है, हर में थोड़ा बहुत अवतर्पण कराते हैं लंघन के बाद, लेकिन शर्त यह है कि वो संतर्पण जन्य व्याधि। अगर वो संतर्पण जन्य व्याधि है, रक्तज रोग में क्या होता है, रक्तज रोग संतर्पण जन्य व्याधि में होते हैं, उसमें लंघन कराया जाता है। तो उन्होंने कहा रक्त रोग में लंघन सर्वश्रेष्ठ है, आप उसको कराइए, हमको अवतर्पण भी करना पड़ता है कि अवतर्पण चिकित्सा से। और वो अवतर्पण कैसे करते हैं उन्होंने वहां भी स्पष्ट कर दिया कि स्निग्ध और मतलब कहना चाहिए उष्ण और उष्ण और रूक्ष, ये चिकित्सा आपको बारम्बार करनी है। तो वहां चिकित्सा का जो पाठ दिया है, देखिए स्निग्ध भी दे दिया, उष्ण भी दे दिया और रूक्षण भी दे दिया, रूक्ष चिकित्सा भी दे दी और साथ में उष्ण दे दी। अब ये रूक्ष और उष्ण ये दोनों एक प्रकार से हमारे जो हो गए वो हमारी एक प्रकार से लंघनीय चिकित्सा हो गई, और वहां पर उष्ण चिकित्सा और स्निग्ध चिकित्सा वो संतर्पणीय चिकित्सा हो गई। दोनों को आपस में बैलेंस करना है आपको,
यानी कि आपको वो भी लंघन भी कराना है, अवतरण भी कराना है। लंघन पहले करा दिया, उसके साथ अवतरण करा दिया, औषधि देके, कौन सी, जो हमारी रूक्षण और उष्ण चिकित्सा थी वो, और जो हमारी मतलब कहना चाहिए संतर्पण जब कराया तो हमने संतर्पण की चिकित्सा तो अंदर से दी दी, हमने बाहर से भी संतर्पण करा दिया और उसको स्निग्ध और उष्ण ये दोनों चिकित्साएं बाहर से दे दी, और हमारा दोनों एक जो दोस्त थे वो दोनों ही दफ्तर प्रकार से जो चिकित्सा निर्दिष्ट की है वो हमारी पूरी हो चुकी और मरीज हमारा ठीक हो चुका। और किसी को अगर कोई ये कुछ समझ में दोनों में नहीं होगा ना सर है, जो चिकित्सा न करके लंघन शब्द जो ना शॉर्ट टर्म के लिया, जैसे आपने कहा ना कि ज्वर विकार में हम लंघन थोड़ा सा करा 200 के पाचन के शॉर्ट टर्म, जबकि असंतर्पण अतर्पण जो चिकित्सा के रूप में उसे लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति या रोगी आता है जिसको हमें लगता है इसके असर्पण यानी रोग है तो कम है कुछ दिन लॉन्ग थेरेपी देना पड़ता है, जबकि लंघन विंगड़ अगर हम किसी दोस्त को हमें बढ़ाना शार्टर में दे के हम उसको कंप्लीट करके फिर रोग का मैनेजमेंट करता हूँ। ये थोड़ा सा मैं मेरी जो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसका थोड़ा सा और क्लियरेंस कर देता हूँ कि जब कहा कि बातज ज्वर में कभी लंघन नहीं कराना चाहिए, तो लंघन अगर अवतर्पण एक जैसा है तो बातज ज्वर में लंघन तो मना ही कर दिया तो अवतर्पण भी मना करना है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक, वहां लंघन को मना किया अवतर्पण को मना नहीं किया। अवतर्पण को मना तब करते ना वो जब उन्होंने कहा कि अवतरण करना है तुम्हें, लंघन नहीं करना है, वहां पर उसके दो जो बल है उसको कम करना है दोष के, और उसके दोष का जब बल कम हो जाएगा आप अवतरण चिकित्सा दीजिए, अवतरण चिकित्सा दे के उसके गुणों को शांत कर दीजिए और फिर आपका मरीज उस दोष से बिल्कुल एकदम मुक्त हो जाएगा और वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो वो एक चिकित्सा का पार्ट जरूर है, लेकिन हम दूसरे एक दूसरे को मिला के कभी नहीं कर सकते कि हम लंघन सोच लिया तो अवतरण भी हो गया, ऐसा नहीं होगा। लंघन करा रहा है तो आप लंघन ही करा रहे हैं, अवतरण कराएंगे तो उसका कंसेप्ट ही अलग है, आप उसमें जब देखेंगे तब। फिलहाल मैं इतना करने के बाद सर आप... मैं एक सर वाग्भट ने कहा कि जो संतर्पण है उसके तीन स्टेप हैं, जो मेन चिकित्सा के छह सूत्र बोले तो उन्होंने बोला कि संतर्पण में जो है ब्रिंगन स्नेहन और स्तंभन किया जाता है और अवतरण में लंघन रूक्षण और स्वेदन किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो लंघन है वो दोष के जो शरीर के दोष धातु और मल हैं उनमें लघुता उत्पन्न, वही कि जो आम के पाचन हेतु कि जो आम था ज्वर का जो ज्वर में जो आम की उत्पत्ति हुई थी उसमें लाघवता उसके पाचन हेतु कराया जाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये तीन तीन स्टेप्स को अगर हम मानते हैं तो वो संतर्पण और अवतर्पण है। पर अभी आपने क्या कहा कि ज्वर में हमने लंघन करा, लंघन और अवतर्पण इकट्ठे नहीं है, जबकि अवतर्पण का एक भाग लंघन है, थ्री स्टेप्स में से वन स्टेप इज लंघन, ऐसा क्या सर? देखो लंघन उन्होंने कहा कि लंघन फर्स्ट चीज है सर है, लंघन या अवतर्पण का जो व्यापक अर्थ जो चरक ने लिया है ना वो एक सा ही लिया है सर। कैसे? जो उसके भेद नहीं है चार, लंघन अवतर्पण के, सूर्य ताप का सेवन, पाचन द्रव्यों का उपयोग, व्यायाम, उपवास, हमारी तृष्णा के वेग उनको निग्रह करना, आचार्य चरक ने ऐसे ही बोला ना सर? नहीं, आचार्य चरक ने तो सही बोला है, लेकिन अवतर्पण अब जब उन्होंने अब जब वही तो दिक्कत है, हम यही तो नहीं समझ पा रहे कि वो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो हमारी फिजिकल प्रोसेस है, लंघन हमारी फिजिकल प्रोसेस में आती है जबकि अवतरण हमारी औषधीय प्रोसेस में आती है। आप पहले फिजिकल प्रोसेस को पूरी करो। यस सर, यस 100%। आप पहले फिजिकल प्रोसेस पूरी करेंगे फिर औषधीय प्रोसेस करेंगे, जब औषधीय प्रोसेस पूरी करेंगे तब आपका अवतरण होगा। लंघन इज फिजिकल प्रोसेस एंड दैट इज, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमने पहले दोषों का बल क्षय कर दिया, ना कि उसके गुणों का क्षय किया है, गुणों का क्षय नहीं हुआ है, गुणों का क्षय तो हम अवतरण से करेंगे, औषधि से करेंगे। यहाँ पे अवतरण आप कह रहे हो, अवतरण मीन्स औषधि चिकित्सा और वो फिजिकल शारीरिक चिकित्सा, वो शारीरिक चिकित्सा है, फिजिकल है, इसलिए उन्होंने 11 कह दिए कि 11 तरह से आप कर सकते हो,
रोगी की अवस्था को देख के 11 तरह से करो, रोग की अवस्था को देख के 11 तरह से करो। अब ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि कोई व्यक्ति चारपाई पे लेटा हुआ है तो जी आप उसे खाना ही मत दो और उसके हिसाब से लंघन कराओ ना, बल छह नहीं होने देना है, हम दूसरे हिसाब से लंघन करें। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, सुपर। यहाँ तक क्लियर हो गया? जो हमारे नए वाले बैठते हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर आया बिल्कुल सही सर, हमारे फ्यूज उड़ रहे हैं, हम शुरू से जुड़ रहे हैं तब भी। सब आपका घर से जुड़ रहा है, आपका तो ठीक लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है? नहीं मुझे क्या महसूस। तब आचार्य सुसुम ने कहा, गोदी ना लेते, गोदी ना लेते। सर म्यूट कर दो प्लीज। हमारे बीच में, हमारे बीच सर, में म्यूट कर दीजिए। हाँ, हमारे बीच में डॉक्टर, हमारे बड़े भाई अरविंद सक्सेना जी आ गए। प्रणाम बोस। सर नमस्कार, नमस्कार सर, सबको मेरे बहुत नमस्कार। नमस्ते अरविंद जी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रभु वीडियो दिखा के जरा दर्शन तो करवा दो। सर अभी जस्ट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ सर, बस। अच्छा, बहुत बड़ा बोझ है इनके ऊपर सर, हॉस्पिटल का सारे का। और सब बढ़िया सर, कल मैं आपको बधाई दी थी मैंने आपको, और मैं जुड़ नहीं पाया। हाँ, तो मेरी तरफ से बहुत दिली मुबारकबाद हो आपको। थैंक यू। एक साल पूरे होने के लिए सर। चलाइए आप, चलाइए। अरविंद सर गुड इवनिंग, डॉक्टर पवन बोल रहा हूँ। हाँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और क्या हाल है, सब लोग कैसे हैं? मैं डॉक्टर प्रमोद बोल रहा हूँ, बस। नमस्कार जी। हाँ सर, नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के, बहुत बढ़िया लगा। सर अभी मैं फेसबुक पे सुन रहा था, तो एक वो हरिओम सर ने बोला था ना कि वो पानी वाला क्या कुछ ऐसा था, है ना, जी, जी, कहां पानी जी, जी। देना चाहिए। तो उसका जी। मुझे श्लोक था यार, मुझे मैं बोलूं? हाँ सर, उसका ये है आलोचके प्रतिष्ठा है, आलोचक में प्रतिष्ठा है, प्रसिक के शायद हो छीक आने पे भी, या प्रसिक हो तब भी, या क्षय हो तो भी पानी कम लेना चाहिए। इसके अलावा मंद आग्ने, अगर बंदी अग्निमंद है तो वैसे ही आपका अग्निमंद है, आप पानी और लोगे तो और अग्निमंद करोगे। उधरे अगर उधर रोग है तो नहीं लेना चाहिए उधर रोग में, क्योंकि अल्टीमेटली उधर रोग कहाँ जाता है, चरक ने बोला है, उसको बोला है जलोदर को, और जी, जी। ने बोला गया है आगे कैंसर की तरफ जाता है, तो इसीलिए उधरे में भी नहीं देना चाहिए, कुष्ठे में नहीं देना, क्योंकि वहां पर क्लेद है, श्लेष में है, तो वहां पर भी नहीं देना चाहिए। ज्वरे, ज्वरे में क्या है, आदि आदि लंघन, मध्य दीपन, और अंते विरेचने, मतलब पहले लंघन कराओ, पहले लंघन कराओ, फिर पाचन कराओ, अंत में विरेचन कराओ, तो इसीलिए ज्वर में भी नहीं देना चाहिए, लंघन कराना चाहिए, लेकिन पानी कम देना चाहिए। पानी से अग्निमंद है तो पानी को पचाने के लिए भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं देना चाहिए। नेत्रामय, नेत्र के रोग है तो, क्योंकि वहां पर भी क्लेद है। पित्त, जो आलोचक पित्त है उस पर कफ का आवरण आ गया, कफ ने उसके जो है नेत्र को अलचक पित्त को आवरण कर दिया, जिसकी वजह से नेत्र में भी जो है, क्योंकि वहां पे भी हमको कफ का आवरण हटाना, इसलिए वहां पे पानी नहीं चाहिए। तथा व्रणे, व्रण में भी, क्योंकि वहां पे भी क्लेद है, वहां पे भी नहीं देना चाहिए। मधुमेह है, स्पेशली बोला गया है, कफ कृष्णम अया बद्धम अबद्धम मेघ, क्योंकि ये मिश्री भाव चलता है कफ का आगे, और क्योंकि मिश्री भाव समान समधर्मी आप की वजह से कफ का मिश्री भाव आगे चलता है, इसलिए मधुमेह में भी पानी कम से, क्योंकि वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, बस्ती में, तो इसीलिए बात पित्त कफ का अलग अलग बोला गया कि वो सब में मिश्री भाव जो आगे चलता है, वो मिश्री भाव कफ का द्रव गुण से बढ़ता चला जाता है, इसीलिए वो आगे की संप्राप्ति मेद और मास में पिंडिका के रूप में आगे चलती जाती है। या मंदम आचरे, कम आचरण करने वाले हो उसमें भी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। सुश्रुत का श्लोक है ना सर ये? हाँ, सुश्रुत सूत्र स्थान। मैं एक बार हरिओम सर ने ही बोला था, तब मैंने याद किया था, क्योंकि हरिओम सर ने एक बार हम लोग का इसका विश्लेषण हुआ था,
तो मुझे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैंने कहा ये कैसे एकदम से, तब मैंने कहा यार कंसेप्ट बहुत बढ़िया है कि एक से डेढ़, आपने भी बोला था सर की जो है पानी आप बहुत कम लेते थे कोविड ड्यूटी के दौरान, दिन भर आप ड्यूटी उसमें रहते थे, तो मुझे लगा अच्छा कि ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जी सर, सर आप लोग बोलिए बोलिए ना सर, बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू, हरि ओम सर, शुक्रिया जी। सर मैं आप थोड़ा मतलब कपड़े कपड़े उतार के जरा थोड़ा सा मुंह हाथ धो लें, फिर उसके बाद जो है आप आइएगा, अभी एकदम हॉस्पिटल से आए हैं। थैंक यू सर। नहीं सर मैं वैसे नहीं, मैं वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ मैं ठीक लग रहा हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे अच्छे इतने बढ़िया बढ़िया, तो मैं अरे वाह 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 वाह, फ्रेश है आप, फ्रेश है बिल्कुल। पवन जी, पवन जी, पवन जी आपके बिल्कुल एकदम संगी साथी आ गए। हाँ जी सर, हमारे हमारे पवन, पवन, पवन सर के भी देखे में बाल की बहुत कम थे। राइट सर, ओके सर, आप डेली आया करिए सर। हाँ सर, अब हरिओम सर नहीं थे कल से, मैं डेली आऊंगा सर। जी जी जी, तब उन्होंने कहा कि जो हमने लंघन की व्यवस्था कर रखी है उसमें हमने ये जब कहा कि जो धारणीय वेग है, जो अधारणीय वेग है उनको हम मतलब कहना चाहिए ना करें, अगर हमको प्यास लग रही है तो हम पानी पी लें, और अगर हमको क्षुधा लग रही है मतलब भूख लग रही है तो हम खाना खा लें। लेकिन जब उन्होंने ये सब यहाँ पर कहा, तब उन्होंने कहा कि भाई हमने वो वहां कह तो दिया है, लेकिन आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसी प्रकार सुश्रुत ने निम्न वचन में जब अल्प मात्रा में ग्रहण करने को अन्य शब्दों में तृष्णा के वेग का निरोध का आदेश किया, मूल में आए मंद शब्द की व्याख्या करते हुए डलहड़ जी कहते हैं कि जितने निरग्रह के अनंतर पिपासा का वेग रोकना असाक हो जाए वहां तक, यानी कि तब तक पानी या ये नहीं पीना चाहिए। चिकित्सा व्यवसाय की इस दृष्टि से जिन रोगों में इस प्रकार तृष्णा के वेग का निरग्रह करना उचित होता है उनका ज्ञान उपयोगी होने से मूल वचन पुनरुक्ति दोष का वहन करके भी यहां उद्धृत करते हुए सुश्रुत सूत्र स्थान 45 में अध्याय 45 में 45वां श्लोक जो हमारे अभी सक्सेना सर ने बताया था उसको स्पष्ट किया है कि आप ये ना समझें कि वहां पर हम आचार संहिता के अंदर, आचार संहिता मतलब आचार विज्ञान के अंदर, व्यवहार विज्ञान के अंदर स्वस्थ रहने के लिए जो हम आदेश दे के आए हैं उसका इन रोगों पर प्रयोग मत करना। वहां पर जहां तक प्यास हो सके वहां तक कम पानी पिए, और जहां तक हो सके वहां तक जो खाना है उसके वेग को हम जो है वो धारण करें और प्यास का धारण करें। इसलिए मुझको यहाँ पर ये लाना पड़ा उदावर्त की चिकित्सा में कि यहाँ पर किन किन वेगों का धारण और किन किन वेगों का अधारण किस किस अवस्था में करनी चाहिए वो चीज आपको समझ में आए। इस वाक्य से बिल्कुल स्पष्ट ये हो जाता है कि जिस इसी प्रकार मल की प्रवृत्ति यथावत यानी कि ठीक रूप से ना होती हो तो पुरी इसके वेग के स्टूमुलेट, अब दो शब्द आपको कल से मैं तीन दिन से आपको बता ही रहा हूं, उदीकरण और धारण, तो स्टिमुलेशन का भी आदेश आचार्यों ने किया है। जो चिकित्सक होते हैं बुद्धिमान चिकित्सक होते हैं निसर्गोपारक, वहां भी जीर्ण अगर मलास्तंभ में रूणों को रोगियों को मलोत्सर्ग अर्थात उनको लेटरिन जाने में कोई एक समय निर्धारित कर उस समय शौचालय से मुलाकात लेने और कुछ काल बैठकर वेग का स्टिमुलेशन की सूचना आपको देते हैं, और वो कहते हैं कि कुछ देर हम बैठे रहते हैं फिर हमको थोड़ी देर आ करते हैं, उसके बाद ही हमारा वेग जो है वो स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होने के बाद तब हमको इस तरह से जो है मोशन की प्रवृत्ति होती है। तब वहां पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो वेग का मनोभाव के बेस से जो एड्रिनल का सिक्रीशन हुआ वो तो कम या ज्यादा, ज्यादा होएगा, एक्टिविटी एक्टिविटी बढ़ेगी बड़ी। बस मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का मरीज आता है तो वो कहता है कि मैं कुछ देर बैठने के बाद
ई मैं करने के बाद फिर मेरे को जो है वो इस तरह से जो है मोशन होता है, आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर इसका जो संबंध है वो सीधे मनोभाव के आवेश से है, और हमको चिकित्सा किसकी करें? मनोभाव की या उसकी? मनोभाव वायु की। वायु की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनोभाव का मतलब जो हमारा एड्रेनलिन है वो एक वायु रूपी होता है, उसकी चिकित्सा करें जी। लेकिन सही शब्दों में कह दें और उसकी भाषा में कह दें, किसकी, इसकी एलोपैथ की भाषा में कह दें, तो हम एड्रेनलिन की उसकी चिकित्सा करेंगे। टाइम हो गया 9:30 बज गए, किसी का कोई प्रश्न हो तो रख लें और कोई केस हो तो रख लें। सर, सर नमस्कार सर, एक जनरल ऐसी चीज पूछनी थी सर, कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट आते हैं उसमें आजकल बहुत कॉमनली ये छोटे बच्चे दिखते हैं, जैसे 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल वाले। एक लड़की तो 3 साल की लड़की है, उसको 4-4 दिन तक मोशन नहीं होता, अगर हुआ तो गुठलियों जैसे होता है ये, ऐसे मीन्स खाना पीने को, उसकी भूख भी ठीक है, मैंने पूछा भी कि मीन्स जंक फूड ज्यादा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर खाने पीने की चीजों में थोड़ा सा फर्मेंटेड वगैरह तो होता है सर, पर कॉमन चीजों में माने उनको कैसे, अभी बड़े लोग हैं हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को क्यों प्रॉब्लम आती है सर? जैसे बच्चे तो ऐसे होते हैं जैसे प्यास लगती है तभी पियेंगे, खाना की जैसे पूछेंगे तभी खाएंगे। इसका आंसर सबके द्वारा मिल जाएगा। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नए वैद्य हैं, अगर उनके पास कोई छोटा मोटा भी केस आ रहा है, पेट दर्द का, खांसी का, जुकाम का, बुखार का, तो आप बिल्कुल हिचके नहीं उसको रखें, क्योंकि जब छोटे से केस से ही आप बड़े केस को डील कर पाएंगे। तो ऐसा ना सोचें कि हमारा तो एक पेट का दर्द का मरीज था, हमने हिंग्वास्टक दे दिया, उसका दर्द शांत हो गया। लेकिन आपको जानना ये जरूरी है कि वो हिंग्वास्टक से दर्द क्यों शांत हो होना जरूरी हो, मतलब ठीक हो गया। तो वो ऐसा बिल्कुल ना समझें आप लोग, जितने भी मेरे नए वैद्य हैं वो छोटे से लेके बड़े केस तक, और छोटे छोटे केस अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप ये ना समझिए कि छोड़ो इसको क्या करना है, इसको तो हम कर ही लेंगे। उसको समझेंगे तो आपको उसके साथ में जो उससे उत्पन्न जो बड़े रोग होंगे वो आपको आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल एकदम बिंदास होकर बोलिए, अपने छोटे से बड़े केस को रखिएगा। बीच बीच में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप उसको बोलिएगा कि हमको ये समझाओ, और हम जब नहीं समझा सकते और आप बोल नहीं सकते तो बेकार है, फिर फाउंडेशन फाउंडेशन दीजिए। ठीक है, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें जी। अब ये पूजा जी का जो हमारा सर, अगर छोटे छोटे केस रखेंगे टाइम नहीं, देखो टाइम तो हर जगह खत्म होता है। अब टाइम तो अगर सर, फिर कैसे कंप्लीट हो पाएंगे? टाइम यही तो है बेसिक चीज, आएंगे तो टाइम अपने आप निकल जाएगा, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। छोटे छोटे से केस से बेसिक निकल के आ जाएगा वो तो सर, ग्रुप में पूछ लिया जाए ना सर, मैं कह रहा हूँ ग्रुप में पूछ लें तो उनको कोई भी बता देगा, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना था नहीं, हाँ, नहीं, वो देखो जो जो देखो एक एक बात सुनो, जो बिल्कुल एकदम आप लोग तो एक साल से जुड़े हो, जो बिल्कुल एकदम नए तरीके से जुड़ के अभी अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि हाँ हम 3 दवाइयां बता के, 3 मिनट लगेंगे उनको दवाइयां बता के और उनको खत्म कर देंगे, लेकिन उनका बेसिक समझना वो आपके लिए रिविजन हो जाएगा और उनके लिए एक हो जाएगा कि हाँ मेरे को इसके बारे में कुछ, अब मैं आगे कोई केस आएगा तो इसको मैं लागू कर दूंगा और फिर मेरे को ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको एक लाइन क्लियर होगी कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो आगे तक हम बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो मतलब कहना चाहिए, एक पेशेंट आया जी, मैंने वो भाई छोटे केस क्या होगा, मैंने पेशेंट आया डॉक्टर साहब, हिंग्वास्टक चूर दिया थोड़ा सा और थोड़ा सी उसमें शंखभस्म मिलाई थी और थोड़ा सा एक अपटकर मिला के दे दिया था, सूत से कर रस दे दिया, दर्द शांत हो गया। इसको समझाने में कितनी देर लगेगी? कुछ बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। यहाँ ठीक दे दी दवाई, आपका मरीज ठीक हो गया। वो पूछना ये चाहते हैं या हम बताना ये चाहते हैं कि हुआ क्या, बस जी। अब पूजा जी का जो आंसर क्वेश्चन था उसका आंसर शायद आप लोग दे सकते हैं, जितने भी पुराने हैं उन्होंने पूछा कॉन्स्टिपेशन बच्चों के लिए होता है तो हम क्या करें, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, और जो बकरी की मिंगनी जैसी आती है वो जरा थोड़ा सा आप लोग समझाओ। मैं 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ क्योंकि इसको मैं बता चुका हूँ और आप लोग बिल्कुल एकदम फाइनल क्लियर करके करो। बात सर, वो
जी बताओ वाता जना कारण उसका हार विहार करना होगा बच्चे का और उसको अनुलोम करना होगा वायु को प्रतिलोम इसमें है ना सबसे पहले ना हेतु पे जाना है कि ऐसा हुआ क्यों कारण हाँ जी वही है ना उसका हार विहार तो बच्चे का होगा निदान इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम बच्चे के समय से ये हैबिट नहीं डालते जाने की तो प्रातः काल में जाना है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन भी नहीं कराते हैं बिठाने की आदत डालो जी यहाँ पे लाइफ स्टाइल पहले बच्चों को दूध पिला देते हैं हाँ विकास जी कह रहे हैं सब रोटी को बच्चों में जी आवाज कट रही है सर आवाज बिल्कुल डैमेज हो रही है हेलो जी आवाज आ रही सर हाँ जी बताओ बताओ आ रही सर देखिए मॉडर्न एक्सपेक्ट से तो यही है कि जो बच्चे आजकल दो तीन वर्ष तक मिल्क पर ही रहते हैं कहीं ना कहीं फाइबर फूड नहीं ले रहे हैं ये और आयुर्वेदिक में जाएं तो मेरा सोचना वो भी इसी से रिलेटेड है क्योंकि अगर बच्चे फूड लेंगे तो साथ में उनका चिकनाई जाएगी स्नेह जाएगा और वहां पर जैसा कि आप बताते हो कि तीक्ष्ण है और वो पानी का अवशोषण कर ले रही है और फिर वो बैंगनी जैसी बन जा रही है तो ये आता है मुझे लग रहा है अगर बच्चों को बॉन्डन में भी यही कहते हैं कि भैया जब चार महीने से ऊपर का बच्चा हो जाए तो उसको आप घर में जो भी बनता है उसमें नमक और मिर्च थोड़ा हल्का रखें और घर का प्रत्येक व्यक्ति उसको एक कौर पकड़ा दे है ना और उसके बाद में सॉरी मतलब चार महीने के ऊपर तो हम सेरेलैक वगैरह देने लगते हैं जब बच्चा थोड़ा समझदार होता है डेढ़ दो साल में तो घर का प्रत्येक व्यक्ति उस कौर को सब्जी में मिला के दाल में मिला के उसको पकड़ा दे चाहे वो खाए ना खाए उसकी आदत में डालना चाहिए जब वो खाने लगेगा तो हमारी सब्जी में क्योंकि चिकनाई है तो मुझे लग रहा है जो स्नेहन उसका हो जा रहा है और उसका मल विसर्जन सही से हो जाएगा हालांकि ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं दूसरा कारण ये है कि जैसे बच्चा डेढ़ दो साल का हुआ घर का कोई भी छोटा बड़ा व्यक्ति जो उस बच्चे को प्यार करता है वो उसकी एक बहुत गंदी आदत डालता है कि चलो भाई कुरकुरे पकड़ा दें चलो भाई चिप्स पकड़ा दें तो ये जो रुक्ष पदार्थ अगर खा भी रहा है तो उसको ले रहा है तो उसका वायु का जो रुक्ष गुण बढ़ाने से ये ढक्कन चाहिए रखने के लिए ढक्कन चाहिए रखने के लिए ठीक है सर और कोई कुछ बताना चाहे मेरी तरफ से तो मुझे लग रहा है यही है सर आपने जैसे बोला ना कि अभी रुक्ष आहार ये जो कुरकुरे वगैरह पे चिप्स पैकेट खाते ठीक है उनको बता दिया तो वो बंद कर देंगे लेकिन उसके बाद में अगर घी वगैरह खिला देंगे तो वो ठीक हो जाएगा हाँ बिल्कुल मेरे हिसाब से मिलना चाहिए और मैं कहता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो लगभग हर वीक में तीन चार मरीज ऐसे आते हैं और इवन मतलब दो साल और तीन साल के बच्चों को एनल फिसर मिल रहे हैं जी और कोई बताए डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही बता दे सेमाइल एमसीटी ऑयल जो है मॉडर्न वाले भी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑयली चीजों को वो लोग भी प्रीफर कर रहे हैं इसमें सर इसमें एक बेसिक सर खाने रिफाइंड बन करके मेरे ख्याल से जो कोल्ड प्रेस वगैरह होता है वो घानी वाली तेल जो होती है ना घाने पे बनती है वो वाली तेल का यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा शायद रोज घी खाने का भी कुछ लोग नहीं बोलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ऐसे करके किसका बच्चों का बढ़ जाएगा सर एक दो पेशेंट है जो मेरे को ऐसे ठीक से बोल रहे घी ज्यादा खिलाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा समझाना है मैडम वरना आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कैसे होगा नहीं नहीं सर समझा तो देते लेकिन बेसिक यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि खाने पीने में जैसे इडली बंद कर दिया ये भी प्रॉब्लम है घी बंद कर दिया तो भी प्रॉब्लम है माने तेल भी ज्यादा नहीं लेंगे बंद क्यों करते हो कुछ भी पहले हेतुओं को हटाओ ना रीजन कारण क्या है कि क्यों कॉन्स्टिपेशन हुआ उसको हेलो जी जी सर पहले कारण हटाओ
फिर उसकी दिनचर्या ठीक कराओ, बच्चे को नैपी पहनाते हैं आजकल, पता नहीं लगता कब पेशाब जा रहा है कब मोशन के लिए जा रहा है, टाइम से उसको बिठाने की आदत डालो, हैबिट डालो, फाइबर दो, और दूध से कभी कब्ज नहीं होता, दूध में तो लैक्टुलोज भी होता है तो वो तो माइल्ड लग्जरेटिव का काम करता है दूध, तो दूध से कभी कब्ज नहीं होता। और मैं पांच जो है बाल मित्र बोले गए हैं, जिसमें हींग है, सौंफ है, जीरा है, कुछ पांच बाल मित्र बोले हरीथी है, तो ये अभी आपको कितने महीने में, 4 महीने का बच्चा बोला ना मैंने, नहीं 4 महीने तो मैंने बस बताया, मैडम कह रही है 2-3 बस, फिर तो अपान दृष्टि है ना, अपान अपानो 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 सोनी बस्ती मेरु उरु कोचरा, मूत्र शकरन, मूत्र भी शकरन शुक्र अर्थव निष्क्रमण, तो ये मूत्र में शकरन मतलब मल में निष्क्रमण क्रिया में आत्मा अवरोध करता है क्योंकि अपान दृष्टि हो रही है ना, तो यहाँ पे खाने के पहले सैंधव के साथ में घृत का पान बोला गया है चरक में, कि खाने के पहले कौर में आप अगर 2 चम्मच थोड़ा सा या 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के अगर खाने में पहले कौर में देंगे तो अपान पे काम करता है, तो और इसके अलावा नाभि पूर्ण अरंड तेल का सबसे बढ़िया है ट्रीटमेंट, अरंड तेल का नाभि पूर्ण या पूरे पेट में या हींग भी मिला जाता है, इसमें अदमाल भी रहता है। अरंड तेल अगर वो बच्चा रोटी खाता तो उसमें उसके आटे आटे में मिलवा दो थोड़ा सा, ये तो बताती हूँ सर, आटे में ऐसे तो डायरेक्ट लेंगे नहीं, इसलिए आटे में गूंथते वक्त ही अरंड तेल डाल के देने को तो बोलते हैं, नहीं सर नहीं डॉक्टर साहब नहीं बिल्कुल पता नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं देती हूँ सर मेरे बच्चे को भी, बहुत अच्छा भी उसे खा लेते हैं, बताती हूँ आटे में डाल दो नाभि पूर्ण करो सर, जैसे रोटी के अंदर मोयन डालते हैं ना, वैसे मोयन का के बदले में एरंडी का तेल डालते हैं सर, थोड़ा सा गुनगुना करके रोटी का आटा गूंथते वक्त ही, मतलब उसकी एक रोटी बनेगी तो उसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच ऐसे डाल के फिर उसको पानी के साथ गूंथ के दे देते हैं सर। चलिए थैंक यू, अच्छा कांसेप्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ले लेते हैं सर बच्चे, मॉडर्न में भी इसके बहुत सारे कारण होते हैं, सबने हेतु की बात करी, हेतु तो जानना जरूरी है, उसमें एनीमिया भी एक बड़ा कारण होता है और इसमें वर्म इन्फेस्टेशन भी एक बड़ा कारण होता है। हाँ विडंग, मैम इसीलिए विडंगा रिश्ते एक बार सर ने बोला था कि वो दोनों काम कर रहा है, कई बार ये न्यूरोजेनिक भी होता है, नर्व्स नहीं होते ना, इसमें एक डिजीज होती है, मैम मुझे ध्यान नहीं आ पता नहीं क्या बोलते हैं उसमें, उसमें नर्व्स नहीं होती, बच्चे की मोटिलिटी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट नहीं होती, वो एक न्यूरोजेनिक काज भी होती है, हाँ वो एक न्यूरोजेनिक काज भी होता है, बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलता है। और दूसरा बच्चों को कई बार ना कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहते हैं तो वेगो धारण करते, बच्चा पोटी नहीं करता तो मल अंदर ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेता, तो वो वाटर एब्जॉर्बन कर लेते ना तो बच्चों में हार्ड स्ट्रोक हो जाता है, वो भी इसका एक बेसिक कारण होता है। और फाइबर डाइट सर ने बताया, जैसा ये लगाते हैं पैड लगाते हैं वो भी बहुत, डायपर लगाते हैं वो भी बहुत बड़ा। जी बोलो, बिल्कुल सही बताया पवन सर आपने। अच्छा दूसरा क्या है इसका? जी जी सर, पवन सर बोलिए 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 सर, आप बोलिए। इसमें सर शुरू से ही अगर हम शुरू से ही देखें, पहले तो हम इसको शुरू से फर्स्ट टाइम से तो स्तन्य दृष्टि भी मान सकते हैं, कई माताओं का हार बहुत गुरु होता है और उसमें हार्ड स्टूल हो जाता है, बच्चा पोटी करते वक्त टाइट पोटी करता है तो वो डर लगता है, उसको पेन होता है तो वो पोटी करने की कोशिश ही नहीं करता, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है जिसमें पैलेट टाइप हो जाता है, और न्यूट्रिशन इसका एक फैक्टर रहता है उसमें एनीमिया का कारण, और तीसरा मैंने न्यूरोजेनिक काज बताया, चौथा मैंने वर्म इन्फेस्टेशन वाला एक काज बताया, ये लगा के रखते हैं डायपर लगा के रखते हैं, ये भी एक उसका बेसिक काज रहता है। जी बिल्कुल सही बताया सर आपने, और मैं थोड़ा सा बताऊं तो मेरे मन में जो कारण आता है वो भी वो ये है सर कि 6 महीने बाद बच्चा चीरनाद होने लगता है, मतलब दुग्ध बंद दुग्ध के साथ साथ अन्न का भी सेवन करना चाहिए बच्चे को 6 महीने बाद, इसलिए हम अन्न प्राशन संस्कार कराते हैं कि थोड़ा सा अन्न इसके कहीं ना कहीं जाए, फिर जब बच्चा 1.5 साल का 2 साल का हो जाता है फिर हम उसको अन्नाद कहने लगते हैं, तो लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे चीर पे ही डिपेंड हो जाते हैं, और
चीर पर डिपेंड हो जाते हैं, उसके साथ साथ वृक्ष अन्नपान पर डिपेंड हो जाते हैं, 2 साल का बच्चा भी वो खा रहा हो रहा है कुरकुरे। तो ये सब लोगों ने जितने भी आदरणीय डॉक्टर जन ने बताया वो बिल्कुल सही बताया कि हमको यहाँ से शुरुआत करनी है कि दुग्ध कब बंद करना है और दुग्ध के साथ अन्न कब शुरू करना है और अन्न के साथ साथ दुग्ध को कब बंद भी करना है, मतलब केवल दुग्ध ही नहीं। नहीं देना है, सिर्फ कीड़े निकलते हैं पेट में, मतलब 35-35 साल के लोगों के अंदर भी कीड़े होते हैं पेट में, और मैंने देखा कि वो तो दूध पी रहे होते हैं हमेशा। तो हिस्ट्री लेने से ये पता चला कि जो दुग्ध है वो कीड़ों को पैदा करता ही करता है, इसीलिए दुग्ध का विधान भी एक बताया गया है। और अच्छा, दुग्ध को जब हम भोजन के साथ लेते हैं, जैसे हमने रात को दुग्ध लिया तो भोजन सुबह पेट सुबह साफ हो जाएगा पूरी तरीके से, तो फिर ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आती है। तो हमें बच्चों के, इसलिए मैंने हरिओम सर को शुरुआत में भी कहा था कि दुग्ध पान कैसे कराना है बच्चों को, इस पे भी हमको एक फोकस करना चाहिए, तो उससे ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे बच्चों में। हरिओम सर मैंने आपको बताया था शायद। जी जी सर, दूध तो रात में नहीं लेना चाहिए बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है दूध की क्वालिटी कैसे मिल रही है। अब दूध भी तो बहुत तरीके के मार्केट में है, अब ये कैसे डिसाइड हो पाएगा कौन सा दूध वो बनाएगा, कौन सा अच्छा करेगा, कौन सा बुरा करेगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है ना। ये तो बहुत बड़ी समस्या है भैया, है ना, निराकरण मुश्किल। देखो मैं कॉन्स्टिपेशन का ना थोड़ा सा इसकी संप्राप्ति थोड़ा सा डिफर करती हूँ यहाँ पे। मेरे को ही आवाज सारी कट रही है कि आप लोगों को भी कट रही है, क्योंकि मुझे बीच का कुछ भी नहीं सुनाई दिया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। देखिए, जो कॉन्स्टिपेशन के रीजन होते हैं ना वो अलग अलग एज में अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चे में हम लेते हैं ना, तो जो अभी छोटे बच्चों की बात चली जिसमें कुछ डिसीजेस का बोला, जैसे स्तन्य दुष्टि का बोला, 1 साल तक 1.5 साल तक वो तो स्तन्य दुष्टि में कंसीडर कर सकते हैं, और बच्चा लेटा है फिर उसका आहार विहार माँ कैसा खा रही है उसी पे वो करते हैं। लेकिन अभी जो मैम ने क्वेश्चन पूछा ना, तो वो मेनली लाइफस्टाइल ही है उनका, फूड हैबिट और उनका ट्रेन नहीं करना। अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, अभी बहुत बड़े बड़े बच्चों में भी शय्या मूत्र जैसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है या कॉन्स्टिपेशन, ये सिर्फ और सिर्फ फूड हैबिट पे और ट्रेन नहीं करना। बच्चा सुबह सुबह जल्दी से उठता है, उसको तैयार करके स्कूल भेज देना, स्कूल से आने के बाद बच्चे पॉटी जाते हैं, मोस्टली बच्चे इसी उसमें 6-6, 7-7 बजे निकलते हैं और स्कूल से आने के बाद जाते हैं। जब वो आपका उसका काल निकल जाता है तो वहां पे जो वायु बढ़ी, आपने वेग अवरोध किया, वहां पे वायु बढ़ी वो सुखा देती है, वही पुरुष अग्नि की बात है। और वहीं पे वो वायु जब पुरुष अग्नि को वो प्रज्वलित करी है तो वो और उसका जलीयान सूखता जाता है और वो हमेशा वो बकरी की मींगी जैसी पॉटी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं और लिटरली, वो सर से भी बात हुई थी मेरी, और लिटरली इसमें फर्स्ट कवल में हिंगवास्टक चून के साथ घृत दिया है और शाम को एरन तेल दिया है, इतने से ही बच्चे का मोशन नॉर्मल हो गया है। मतलब वो जो सूखा सूखा और कॉन्स्टिपेटेड रहता है वो हो जाता है, क्योंकि अभी घृत भी बिल्कुल नहीं दे रहे होते हैं तो वो लुब्रिकेट होता है। और यहाँ पे सैंधव जरूर देना जरूरी है, सैंधव किसी भी मतलब घृत के साथ, क्योंकि वही क्लेदन करता है तो वो कफ का थोड़ा सा विलयन करेगा और वहां पे वो लुब्रिकेट होके मोशन क्लियर हो जाते हैं। और बाहर की तरफ से कोई भी ऐसा थोड़ा वात और पित्त शामक कोई तेल यूज करके उसका नाभिपूरण भी कर सकते हो, उसमें छीरबल भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और बच्चे को मेनली ट्रेन करना जरूरी है, क्योंकि ये कब तक भी देते रहेंगे तो उसको वो सुबह उठे और मोशन जाए। तो ये सब पे सबने बातें की, तो वह मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ इस पे ये ही वर्क किया है, इतनी मेडिसिन से बच्चे का मोशन का क्लियर हो गया है। जहां तक रही दूध की बात, तो सर दूध जैसे आपने अभी बोला ना, तो मैं इसलिए थोड़ा डिफर करती हूँ क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है आयुर्वेद में जिसको अमृत तुल्य बोला है,
मरते दम तक दूध लेने के लिए बोला है। अन्नाद चिरन्नाद अवस्थाएं जरूर है, लेकिन कभी आचार्यों ने ये नहीं कहा कि दूध बंद करना, जबकि बाल्यावस्था में दुग्ध आहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऐसा ही बोला है। इनफेक्ट सुश्रुत में मैं बहुत बार ये कल्प, बहुत बार अध्याय का नाम बोल चुकी हूँ, कौन सा वो 24 चैप्टर है सुश्रुत चिकित्सा स्थान का, अनागत बाधा प्रतिषेध कुछ यही है, मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें उनने बोला है कि सुबह को उठ के हमको ये आहार लेने हैं, जिसमें दूध चार जो बोले हैं द्रव्य लेने के लिए उसमें जो भी है तो उसमें दूध भी है, तो सुबह उठ के ही दूध लेने के लिए बोला है, वो कफ काल है क्या है? हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं मना किया, हाँ बिल्कुल मना ही नहीं किया है उस। अब हम आज जो दूध ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन दूध को मना करना है ही नहीं बच्चों को, बच्चों को दूध तो देना ही देना है, क्योंकि और सुबह ही देना है बच्चे को, सुबह आप देखिए बच्चे को दूध दीजिए तो कई बार लग्जेटिव होता है, बच्चे को अपने आप मोशन हो जाते हैं, आपको बैठाने के ट्रेन करने के लिए बैठ के वो जरूरत नहीं होती है, तो दूध तो मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ कि किसी बच्चे को दूध नहीं देना है, और सुबह डिपेंड करता है आप क्या कौन सा दूध दे रहे हो, लेकिन मेरे बच्चों को वेस्टर्न सीट पे भी ना बैठाएं, वेस्टर्न सीट का नहीं, नहीं आजा वाजा आजा नहीं मिलता सर, आजा हाँ सर वो भी है, आजा दूध नहीं मिलता सर, हाँ सर आलोक सर, इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये तीन बार डिस्कशन हो चुका है और मैं हर बार आपके अपोज हो जाती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं दूध नहीं मिलता। मेरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें वो ये आ रहा है कि बच्चा जो होता है ना बाल्यावस्था, स्वाभाविक रूप से कफ यहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो स्वाभाविक तो बढ़ा रहता है, तो हम तो घी भी नहीं देना चाहिए फिर हमको। नहीं मैं पूरा बोल लूँ उसके बाद फिर आपका अप्रोच सुनूंगा। यहाँ पे स्वाभाविक रूप से कफ बढ़ा हुआ रहता है, जैसे आपने डिस्कस किया कि वेगावरोध जो हुआ उससे वात की वृद्धि हो गई है ना, एग्जैक्टली वात का एक शीत गुण भी है, शीत गुण जब वात का शीत गुण कफ के शीत गुण से मिल जाता है तो एक्सेसिव रूप में शीत गुण बढ़ जाता है और ये अग्निमांद्यता की स्थिति को पैदा कर देता है, अग्निमांद्यता की स्थिति जो पैदा होती है तो इससे ये मलावरोध की स्थिति भी बाद में पैदा हो जाती है, तो इसका कारण ये हुआ। और जो वात के वृद्धि के जितने भी कारण हैं उन पे विचार करना चाहिए, जैसे वेगावरोध सबसे पहला मौसम, तो इससे भी अगर जो अवॉइड हो सकता है तो इसको तो भी कोशिश, बात का शीत गुण से मिल जाता है और कफ का नॉर्मल शीत गुण नुकसानदायक नहीं है, लेकिन एक सूर में जब बात का कफ शीत गुण से मिलेगा तो ये जरूरत में आवाज कट रही है, बात के शीत गुण से मिलके वो हो जाए, नहीं दूध तो जी पानी भी खाने तो फिर हो जाता है उनको क्यों बात मैम, सर आप कहीं मुझे बता दीजिए पूरे आयुर्वेद संहिता में इधर पे ये लिखा हो कि दूध पथ्य नहीं है और दूध नहीं देना है, पूरे आयुर्वेद में कहीं भी आप दूध लिखा दीजिए कि दूध नहीं देना है, लेकिन दूध ही देना है सर, बाल्यावस्था में 18 साल तक दूध को रोक नहीं सकते, आपके जो कैल्शियम चीजें हैं कैल्शियम सप्लीमेंट वही पूरे सप्लीमेंट पूरी करेगा, और दूसरी सर एक बात और हूँ, दूध कभी भी कीड़े पैदा नहीं करता, क्लेद कीट पैदा करता है, क्लेद क्लेद बिल्कुल सही, क्लेद नहीं करना है, दूध कहाँ क्लेद पैदा कर रहा है, हम तो बाल्यावस्था में ब्रह्मण जो द्रव्य दे रहे हैं ऐसे तो वो सारी चीजें वो कफ बना रहे हैं, कफ बना रहे होते हैं, तो हर बच्चे कीड़े हो रहे होते हैं उनके, ऐसे तो मृतिका भक्षण जन्य भी कीड़े हो जाते हैं, दूध कहीं क्लेद क्लेद कीड़े पैदा करता है, दूध नहीं सर कहीं भी,
मीठा मीठा करता है। और दूसरा एक चीज और मुझे बोलना था, अभी जितने भी फॉरेनर्स मतलब डॉक्टर्स हैं वो जनरली 2 साल तक बच्चों को कहते हैं, मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं 2 साल तक नमक नहीं देना और शक्कर नहीं देना। अरे तुम कफ अवस्था में नमक बंद कर दोगे तो कफ का विलयन कैसे होगा? ये बोलो सैंधव देना है। लेकिन ऐसे पेशेंट हैं इतने हाई फाई कि वो 2 साल तक हमको नमक नहीं देना है बच्चे को और शक्कर भी नहीं देना है, तो नमक नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि दूध पीने के लिए बंद नहीं कर रहा था, मना नहीं कर रहा था, दूध तो है, मैंने कई बार कहा है कि दूध तो साथ में है, ग्राही है दूध, दूध के साथ अन्न बोला डॉक्टर, मैंने ये बोला कि दूध का काल तब तक है, उसके बाद अन्न का भी काल है, उसका भी इम्पोर्टेंस है, उसके बाद अन्न जब जाएगा तो उसके साथ लवण भी जाएगा। तो आपने बोला कि सुबह को दूध नहीं पीना है और दूध नहीं देना है बच्चे। नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला, अभी आज नहीं बोला मैंने ये, मैंने ये बोला था लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए दूध को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैंने अरुण सर से पहले बोला था 8 महीने पहले कि इसके बारे में भी आप एक वो संभाषा कर लीजिए, मैंने ये बोला था 8 महीने पहले। तो मैंने मना नहीं किया था, मना नहीं किया था मैंने दूध के लिए, कि दूध तो साथ में है, ग्राही भी है। अच्छा सॉरी सर मेरे सुनने में गलती है, इसमें सर एक चीज और बताओ, जैसे सभी बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं, मेरा आंसर दोस्त, सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, जहाँ बच्चों को निगरी गांठें आ रही है। मैं आपको प्रोसेस ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेसिंग बता दे रहा हूँ। इसकी प्रोसेसिंग यह है कि दूध किस उम्र के बच्चे को कैसे देना चाहिए। थोड़ा सॉरी सर एक बात इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, प्लीज। अरंड तेल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि किसी छोटे बच्चे को शिशु को दिया गया हो पॉटी साफ कराने के लिए, मैंने ये कभी नहीं सुना। नहीं ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैंने तो दिया है, तीन देते हैं सर आलोक सर, मैंने भी दिया है, मैंने भी दिया है, और बहुत नहीं तो 6 महीने के बच्चे को दिया है। और हाँ जी, बहुत सर ने, आप सर ने मुझे, मैंने अपने भाजी के लिए बोला था, उसे बहुत अच्छा मतलब रिलीफ हुआ कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब आप एक रुपया तो उसकी हाफ कर दी। आप ना थोड़ा सा ये सुन लो, हाँ थोड़ा सा ये सुन लो कि जो हमारी तृतीय अवस्था पाक होती है, उस तृतीय अवस्था पाक में होता क्या है, अगर हमको ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये पूरा चक्कर ही समझ में खत्म मतलब हो जाएगा। तृतीय अवस्था पाक में जब मल पहुंचता है, और मल पहुंचने के बाद उसमें 2 चीज मुख्य रूप से होती है, और वो 2 चीज होती है, एक तो होती है जलयांश की द्रवता और दूसरा होता है स्नेह पार्ट। जो पुरुष के अंदर स्नेह पार्ट होता है वो आखिर कहां से आता है, इस चीज को आज मैं क्लियर कर दूं। जो पुरुष में स्नेह पार्ट होता है वो मज्जा धातु का पार्ट होता है, और वो ग्लोबिन होती है जो पित्त को द्रवता प्रदान करती है। वो ग्लोबिन होती है जो पित्त को द्रवता प्रदान करती है, और उसका पाचन पक्वाशय में जाकर होता है। तब तक उसका पाचन नहीं होगा जब तक वो मल के साथ में पक्वाशय में नहीं जाएगी। अब उसके साथ 2 चीजें गई, एक तो द्रव पार्ट गया और एक गया पित्त का स्नेह पार्ट, जिसको हमने कहा वही मज्जा का पार्ट है, और वही जो है वहां पर उसका शोषण होना है। वहां पर शोषण कौन करेगा? वहां पर जो स्वाभाविक रूप से वायु है, जो स्वाभाविक रूप से वायु है जिसे हम अपान वायु बोलते हैं, अगर वहां पर वो ठीक रूप में है, अपना कार्य ठीक से कर रही है, तब वहां पर वो क्या काम करेगी? पहले तो वहां पाचन होगा, क्योंकि पाचन की जो अवस्था होगी वो पहले क्रिएट होगी, उसके बाद में फिर वहां दोषों का, वहां द्रवता का, और वहां इसने पार्ट का जो पाचन करे, जो मतलब शोषण करेगी, वो करेगी वायु। वहां पाचन कौन कर रहा है? वहां पाचन कर रहा है वो, कर रहा है जो वहां की पुरुषाग्नि है। वो पुरुषाग्नि मल से तीन भाग अलग अलग करती है। ये आप आज जो है वो उसको बिल्कुल क्लियर टच फाइनल दे दो। 3 भाग
अलग करती है, एक होता है पित्त भाग, दूसरा होता है मूत्र भाग, और तीसरा होता है हमारा वायु का भाग। जो पित्त भाग से वायु उत्पन्न होती है वो कटु होती है, और वही वायु अपान वायु को क्या करती है, सांब अवस्था में लेके आती है। वही वायु होती है जो अपान वायु का पोषण होती है, वही वायु होती है जो शरीर में सभी मलों को इकट्ठा करके पक्वा सह में लेकर आती है, वो वही वायु होती है जो शरीर के अंदर जितने भी मल होते हैं अपने अपने द्वार से, निकटतम द्वार से वो उनको बाहर निकालती है। उसका काम है शोषण करना, उसका काम है वहां पर जो क्लिदांश बना है उनको समुचित मात्रा में, उसको सही रूप में, साम अवस्था के रूप में जो जी। हाँ बताइए गुर्जर जी, आप अपना प्रश्न बताइए। ये दूध का स्रोत है, ये मैं थोड़ा सा बाद में, पहले ये जो सर पहले कंप्लीट कर दो ना, जो पहले फिजियोलॉजी है लिंक कर जाए। अगर वो वायु पुरुषा अग्नि का काम है तीन पार्ट को अलग कर देना है, अलग करने के बाद वहां शोषण शुरू हो गया, शोषण शुरू होने के बाद वहां पर वायु बनी, वायु बनने के बाद वायु ने वायु को अपना साम्यवस्था में लेके आई, कौन सी वाली को, जो पुरुषधर कला के अंदर अपान वायु मौजूद है वहां बैठी है, जो वायु हमारे शरीर से पास हो रही है वो अपान वायु नहीं है, वो शरीर का मल भाग है जो पक्वाशय में इकट्ठा होके वो वायु लेके आती है। और इसलिए कहते हैं उदावर्त की चिकित्सा में, अब यहां पर एक कंसेप्ट समझो, उदावर्त की चिकित्सा में आपने ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि उनका हाथ दबा दो टकार आ जाती है, उनकी उंगली दबा दो तो टकार आ जाती है, उनके शरीर पर थपकी मार दो तो टकार आ जाती है, उनके सर में अगर ऐसे करके खुजला दिया तो टकार आ जाती है, उनकी पीठ पे हाथ मार दो तो टकार आती है, उसकी जंघा को दबा दो तो टकार आती है। और जैसे ही वो वायु वहां कोष्ठगत आती है, जैसा कि कल हमारे त्यागी जी ने बताया था कि कोष्ठगत वायु आई तो वो निकल के बाहर आती है और वही उदावर्त, वह पक्वाशय में नहीं गई क्योंकि पक्वाशय में वायु पहले से ही उदावर्त को प्राप्त है, तो वहां पर अगर जाएगी भी तो निकलेगी कहां से, इसलिए कोष्ठ में आई, कोष्ठ से बाहर चली। वो वायु जो शरीर में इस तरह से, बहुत से लोग बोलते हैं कि गैस बन रही है, तो वो वायु हमारी अपान वायु नहीं होती, अपान वायु तो वही बैठी हुई है, उसका काम है आए हुए मल को बार बार बाहर करके निकाल देना। और हम चिकित्सा इसमें किसकी करते हैं, अपान वायु, जबकि हमको अपान वायु की चिकित्सा करनी नहीं है, हमको मल से अबद्ध जो वायु है जो शरीर के अंदर है उसकी चिकित्सा करनी है, वहां पर आम पाचन देने हैं, और वहां पर वायु ना बने और बने अपनी साम अवस्था के अंदर बने। एक मिनट का पहले मैं पूरा कर लूं उसके बाद में। इसमें आपने एक चीज आगे से जो इसी में बात आ जाएगी सर, वो आपकी बात क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी, और कि जो बच्चे 8 बजे 10 बजे मोशन के लिए बैठाते हैं, 12 बजे जो बाहर निकल आवाज कट रही है सर आपकी, मिलके बात लेस बहुत बड़ा होता है वहां पे। अच्छा अच्छा कट रही है सर, हाँ सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। तब क्या हुआ, अब बिगड़ा कैसे, बिगड़ा ये कि वहां पर हुआ कैसे, अपान वायु जो थी वो वहां पर प्रकुपित हो गई और अपने नैसर्गिक कर्म को भूल गई, और जो उसका नैसर्गिक कर्म था शोषण, वो काम किसने करना शुरू कर दिया, पुरुष अग्नि ने। जब उसको विभाजन करना शुरू किया, तो जो विभाजन करना जब शुरू किया तो उसमें से जो कित्त भाग से जो वायु प्राप्त हुई, और वहां पर जो उदान जो अपान वायु जो विकृत हुई पड़ी है वो वहां पर प्रकुपित हो गई, और वहां पर उसने मल संग ये वहां पर रोक लिया, और रोकने के बाद धीरे धीरे करके वहां से जो जलियांश था, जो उसका स्नान था, वो तब तक उसको सोचती रही, क्योंकि उसका कर्म अब विकृत हो गया, तब तक उसको सोचती सोखती रही, उसमें से शोषण करती रही, और उसने मल को इतना कठोर कर दिया कि अंततः हुआ क्या कि एक कॉन्स्टिपेशन का उत्पन्न हुआ, जो बालकों में अक्सर जो नॉन मतलब कहना चाहिए जो उनकी हैबिट एंड हैबिटाट जो प्रोसेसिंग होती है, जो खाने पीने में दिक्कत मानते हैं उनको ये समस्या होती है। हमको ठीक करना है क्या, हमको ठीक करना है वहां की अपान वायु की दुष्टि ठीक करनी है। बात कफ हर चिकित्सक
किसने का पार्ट देना है, बात कवर चिकित्सा करनी है, इस स्थिति में हमको एरन तेल अगर हम उसको देंगे तो हमारी अपान वायु ठीक होगी और वहां पर मल को रुकने नहीं देगी, और जब मल वहां कोई रुकेगा ही नहीं जल बहुत समय तक, तो वहां पर वो शोषण नहीं कर पाएगी उस जल का, और उस इसने पार्ट का बहुत ज्यादा शोषण नहीं कर पाएगी। उस स्थिति में होता क्या है कि इसने पार्ट कभी कभी क्या होता है कि वो शोषण हो ही नहीं पाता है, वो निकलता चला जाता है, और जब वो निकलता चला जाता है तब उस स्थिति में आप एक क्लिनिकल पिक्चर को नोट कर लो, जिसको ऐसा लग रहा है उसको आप सीधे सीधे एक LFT करा लेना और उसकी ग्लोबुलिन प्रोटीन देख लेना कि इसकी ग्लोबुलिन प्रोटीन कितनी है। वो ग्लोबुलिन प्रोटीन अगर आपको पता लग जाएगी कि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन कम है, समझ लेना पित्तरुक्ष हो रहा है, और पित्तरुक्षता की वजह से, क्योंकि वो ही पित्त पूरी आंत में जाके पाचन का काम करता है और अंततः वो पुरुषाग्नि के रूप में वहां पर कार्य करता है, तब उसका पाचन करता है, मल से तीन भागों को अलग अलग करता है और वायु को कहता है कि आप अब इसका शोषण करो, कि शोषणों दोषो संशोषणों, यानी कि उसकी प्रोसेस को आप पूरी कर लो, जो इसमें से द्रवता है सम्यक रूप से द्रवता सोख लो, सम्यक रूप से इसका पाचन जो मज्जा है जो इसने है वो सोख लो, और इसके बाद फिर मैं इसको बाहर करती हूँ, अपने समय से इसको निर्णय यहाँ से कर दूंगी, तब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब रही बच्चों की बात, बच्चे क्या होते हैं छोटे छोटे से, मैं तीन महीने से शुरू करता हूँ, 3 महीने तक 4 महीने तक बच्चे 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद ऐसे करके लैट्रिन करते हैं, आगे बढ़ती चली जाती है प्रोसेस, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन होना शुरू हो जाता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। उनकी हिस्ट्री ये लेनी चाहिए कि अगर ऐसे बच्चे को माँ रात में उठ के अपने दूध को बच्चे को लेट के ही अपने जो हमारा उसका जो मतलब कहना चाहिए जिसे आंचल बोलते हैं, उस आंचल को उसको करीबी रखकर उसके क्या करती है कि मतलब कहना चाहिए सर नीचे थोड़ा सा होता है, उसका आंचल थोड़ा सा ऊपर होता है, वो दूध क्या होता है कि वो पूरी उसमें एक जो उसकी चलमान गति होती है वो धीरे धीरे करके हो जाती है, दूध लिप्त होकर चलता है और वहां पर वो अपने कफ के गुणों को पूरी आम पचना आमाशय में एक लिप्त होता चला जाता है, वायु का चल गुण खत्म हो जाता है, और चल गुण जब खत्म हो जाता है तो कफ लिप्त हो जाता है, और कफ लिप्त हो जाता है तब बच्चे को आमज युक्त पचा तो लेगा वो, आमज युक्त बहुत कठिनता के साथ मल चिपका हुआ निकलता है, उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तब हम जो आते हैं उनसे कहें कि आप अपने बच्चे को जो दूध पिलाती हैं बाहर का, सबसे पहली चीज तो वो बंद कर दें, और आप अपना दूध पिलाती हैं तो आपका आंचल ऊपर होना चाहिए और बच्चे का ऐसा होना चाहिए, बच्चा इस तरह से दूध पिए, आप ये नहीं कि आपका आंचल यहाँ पड़ा है और बच्चे का सर ऐसा हो गया और आप उसे दूध पिला रही हैं। यही कारण है कि जब हमारे देश के अंदर वो सभ्यता थी, वो संस्कृति थी, तो सास कहती थी उठ के दूध पिलाया कर रात में, लेटे लेटे दूध बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, और वो क्या होता था कि रात रात भर जो है उनकी नींद खराब होती थी, तो लेडीज को दिक्कत होती थी, और धीरे धीरे करके छोटे छोटे परिवार होते चले गए, अब मन चाहो वैसे करो कोई दिक्कत नहीं है। आज 100 बच्चों में से 5 छोटे बच्चों को अपने आने वाली 10 साल की उम्र में पाइल्स हो रहा है, अपने आने वाली 10 साल की उम्र में फिस्पुला हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अब 10 साल का बच्चा है उसको दूध कैसे पिलाए, 10 साल के बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो रही है और आपको लग रहा है कि दूध के कारण इसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो सुंठी सिद्ध दूध उसको पिलाना चाहिए, उसमें थोड़ी सी सौंठ डालें और फिर उसके बाद उसको उबालें, और उबालने के बाद फिर वो बच्चे को दूध पिलाएं। शीत द्रव्यों का प्रयोग, उसमें चीनी गुड़ का प्रयोग, चीनी या शक्कर का प्रयोग ना करें, थोड़ी सी गुड़ का प्रयोग करें, अगर वो सूखी शक्कर का मतलब चीनी, अगर शक्कर का प्रयोग करते हैं अर्थात जिसे हम जो पीली वाली छोटी शक्कर आपने देखी होगी उसका प्रयोग करें तो वो अच्छा है, उसको आप वो डाल के दें। अब सुबह को दूध पीना कैसे जरूरी है, सुबह को जो हमारे बच्चे होते हैं बड़े बड़े चपलता होते हैं, और बड़े चपलता जब होते हैं तो सुबह के लिए दूध उनके लिए इसलिए कहा गया है कि जब बच्चे को एनर्जी बहुत चाहिए, वो किसी हाल में शांत नहीं बैठ सकता, अगर उसके पहली चीज तो शरीर के अंदर इतना ओज होता है, वो ओज के दम पे ही खड़ा हो जाता है, दूध को मारो तो धक्का, ओज के दम पे जब खड़ा होता है पेट में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो मतलब कहना चाहिए करता है। हम जितनी कसरत 1 घंटे के अंदर करते हैं, बच्चा घर में सुबह उठते ही 1/2 घंटे में पूरी कसरत कर लेता है, उसका कफ वहीं पर खत्म हो जाता है। आप बच्चे को सुबह दूध पिलाइए, और दूध पिला के, हाँ आपको लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ है
तो आप उसमें थोड़ी सी शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से रोटी खिला सकते हैं और फिर उसको भेज सकते हैं। ये हाँ, इसका कंसेप्ट मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि ये बॉर्नविटा सॉर्नविटा ये सब बेकार बेकार की चीजें, ये हमारे आयुर्वेद में ना लिखा है ना हम उसको जानते हैं। बच्चा अगर 12 साल का है, 15 साल का अगर बच्चा हो गया और वो दूध ही दूध पीता है, एक मेरा साला था वो हमेशा पराठा खाता है और आज भी पराठी खाता है, वो सब्जी खा के जानता ही नहीं। और कितने साल का हो गया माना, 32 साल का हो गया, उससे पूरा घर दुखी रहता है, उसको चाय चाहिए और सुबह को 4 पराठे चाहिए और शाम को 4 पराठे चाहिए और चाय चाहिए, बस खत्म। और उसकी 32 साल का हो गया, शायद उसमें 38 किलो वजन हो गया और उसकी लंबाई उसके पिता के हिसाब से मेरे ख्याल से आधी है, उसके पिता 6 फुट 5 इंच के हैं, वो मेरे ख्याल से 4 ही फीट का होगा बस। तो है क्या, उसकी जो अपनी हैबिटेट है उसके कारण उसको ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर दूध पिलाने के अलग अलग सिद्धांत है, दूध सर्वोपरि है ये सबको मालूम है, हर संहिता के अंदर दूध को माना गया है कि जब सब कुछ छूट जाए, अन्नपान जब सब कुछ छूट जाए तो दूध का इस्तेमाल करें, मेरे अलर्ट चलेगी। आ गई तो अब इस और कुछ अगर पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो कल करेंगे, इसमें अगर किसी का कोई भी कुछ है तो 2-3 मिनट को आप बोल सकते हो। आवाज आ रही है मेरी?